हेलो फ्रेंड्स, हमारे किसी फ्रेंड ने बोला है कि अवकल समीकरण से रिलेटेड कुछ पढ़ाइए, तो हम भी अवकल समीकरण का ही टॉपिक ले लेते हैं। अवकल समीकरण जो जो अपने पास बीएससी में भी आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ब्रज यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें अवकल समीकरण ज़रूर होता है। साथ ही 12th क्लास में जो अपना एनसीईआरटी का 12th क्लास का सिलेबस आया है, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से रखा गया है। तो हम आज वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अब हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक समीकरण होगा जो स्वतंत्र चरों, जो आश्रित भी हो सकते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के अवकल गुणांक के रूप में परिभाषित होगा, तो उसको अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये हम जैसे ये वाई एक्स के रेस्पेक्ट में आश्रित है। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट होती है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड होती है वो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ जहाँ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसमें जो भी अपने चर होंगे उनमें एक चर आश्रित होगा, एक चर तो स्वतंत्र होगा यानी कि डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट एवं भी डिपेंडेंट होगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चर डिपेंडेंट होता है, बाकी सर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल में सारे चर तो इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ एक चर डिपेंडेंट होता है। हम जैसे अब दोबारा से इसको डिवाइड करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा जब किसी अवकल समीकरण के अवकल गुणांक में केवल एक ही चर स्वतंत्र है, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन होता है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो हम जिसमें वाई के अलावा जो भी अगर जेड आ रहा है, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी आ रहा है, इस जेड वाई के अलावा जो भी आ रहा है वो हम सब कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे। और जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जैसे dy/dx उसको लिखते नहीं, उसको लिखते हैं dy/dx, यानी कि अब dy/dx अगर इसमें जेड भी कहीं y बराबर ये आ जाता है xyz कुछ आ जाता है या y बराबर जेड आ जाता है, जब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy/dx एवं dz/dy/dx। जबकि अगर हम यही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कर रहे होते तो इसको हम dy/dx निकाल देते और इसको हम कॉन्स्टेंट मान के इसको जीरो कर देते। ये फ़र्क होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है पार्शियल डिफरेंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ डेफिनेशंस, जिनमें आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन
अभी हम सबसे पहले रहता है ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर कितने ऑर्डर का है, मतलब कि वो ऑर्डर के लिए हम सबसे चेक करते हैं क्वेश्चन में कि वो डी बाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो एक ऑर्डर वन ऑर्डर का है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो टू ऑर्डर का है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स क्यूब लिखा हुआ है थ्री ऑर्डर का है। मतलब जो जो सा भी सबसे बड़ा होता है वो उतने ऑर्डर का होता है। अब ज़रूर नहीं है अगर जैसे कहीं एक क्वेश्चन में आ जाए डी क्यूब अपॉन बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर ऐसे पूछे हम ये कितने ऑर्डर का है तो कई लोग ये कहेंगे नहीं सर ये इसमें दो भी आ रहा है थ्री भी आ रहा है हम क्या करें। जो भी ज़्यादा होगा ज़्यादा ऑर्डर का वो उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम आते हैं इसकी डिग्री पे, डिग्री क्या होती है। अब डिग्री के लिए हम सिंपली देखते हैं जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का होता है उसकी घात, हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होता है उसकी जो भी घात होती है यानी उसकी जो भी डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर वो उसकी डिग्री होती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री निकालते हैं। एक ले लिया हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बराबर साइन एक्स, ये ले लिया हमने। अब इसमें हमें देखना है इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर देखने के लिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बराबर टू। अब देखते हैं हम इसकी डिग्री, डिग्री यहाँ पे इसकी थ्री है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है थ्री डिग्री का हो गया। डिग्री हम उसकी देखते हैं जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट ऑर्डर वाली वो टर्म हो, हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो इसका डिग्री क्या है इसकी वन। तो ये जो इक्वेशन थी अपने पास ऑर्डर टू एम डिग्री वन की इक्वेशन है। अब कई बार आप दूसरा देखते हैं एक और आ जाता है जैसे ये दिया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ वाई ऑफ टी एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है। अब हम इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम इसका ऑर्डर देंगे क्योंकि समाकलन का साइन है तो हम इसका ऑर्डर सीधा नहीं दे सकते। अगर जैसे कोई बटे में संख्या है वो जैसे अगर इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो हम इसे सीधा नहीं देते उसको गुणा कर लेते हैं। अब इसमें हम ये करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस फाइव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये समाकलन हट जाएगा क्योंकि इस पर वो नहीं दे रखी, इस लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए हम सीधे हटा सकते हैं इसको और ये आ जाता है वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितने ऑर्डर का है। अब यहाँ से ये देखते हैं थ्री ऑर्डर है। अब डिग्री देखते हैं, डिग्री हम इसी की डिग्री देखते हैं वो है दो तो टू टू ऑर्डर है थ्री डिग्री का अपने पास समीकरण हो गया। हम अब तक पढ़ चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो कि सिर्फ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये होता है जिसमें अगर हमें हम इसको सॉल्व करने के तरीके में हमने पढ़ा था जो जो हमने पुरानी वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था। अगर जैसे वाई बराबर यू भी एक सॉल्यूशन है इसका, वाई बराबर यू भी एक सॉल्यूशन है और अगर इसमें से हमें एक ज्ञात है मान लो यू ज्ञात है यू बराबर या यू बराबर जैसे वाई बराबर ई की पावर एक्स होगा तो वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो होगा। अगर वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है तो इस कंडीशन में अपने पास वाई बराबर यू बराबर ई की पावर माइनस एक्स होगा। अगर एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है तो वाई यू बराबर ई की पावर माइनस एम यू की पावर एम एक्स होगा और वी हमें ज्ञात करना होता है। अगर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो है तो u बराबर एक्स होगा v हमें ज्ञात करना होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो यानी मतलब u बराबर एक्स स्क्वायर रखा है यहाँ पे, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन है उसका मतलब कि u बराबर एक्स स्क्वायर रखें तो मतलब टू प्लस टू
टू पी क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर है, तो यू बराबर हम एक्स स्क्वायर मान सकते हैं। मतलब कि ये इसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इनमें दोनों सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा। अगर जैसे एम क्वेश्चन एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स इक्वल टू क्यू सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे यू बराबर हम एक्स बराबर एम रख देते हैं और बी बराबर ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के जो भी मेथड थे हमने कल पढ़े थे या पुरानी वीडियो में पढ़े थे, आपको इस पुरानी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हमको जो पढ़ना है वो है प्रथम अवकलज को हटाना। मतलब कि अब सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हम कई बार प्रथम अवकलज को हटाते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको हम कह सकते हैं जो प्रथम अवकलज होगा परतंत्र चर उसका परिवर्तन या चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमने जो पहले रूप में बदला था उसे सामान्य रूप में कैसे बदलेंगे, ये सभी मेथड्स इसमें आ जाते हैं। अब अपने पास इसको समझने के लिए जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसका हमें पूर्ण हल ज्ञात करना होता है, ये कब ज्ञात किया जा सकता है इससे पूर्व, ये इसको ज्ञात करने के लिए माना कि हमने मान लेते हैं लेट y बराबर यू वी इज कम्प्लीट सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया इसमें कि यू वी कम्प्लीट सॉल्यूशन है इसका। तो अभी इससे क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाता है अपने पास वी डी स्क्वायर वी यू यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एंड फ्रेंड्स डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स वी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा जो कि यही आएगा, इसलिए इसको हम टू बार लिख देते हैं, टू ये आ गया। अब ये जो अपने पास एक और दो और तीन इक्वेशन आई है इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यह आ जाता है अपने पास यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, आर वी वाई वाई बराबर यू वी सॉरी वाई बराबर यू वी इक्वल टू आर, ये आ गया अपने पास, ये क्यू यू वी है इक्वल टू आर आ गया। अब हम इसमें से देखते हैं इसमें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये आ गया पी प्लस टू अपॉन यू, यहाँ से टू टू तो है ही, यू कॉमन लिया तो यू का नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, टू अपॉन यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू आर, ये आ गया क्योंकि बी को मैं ले रहा क्यू यू भी आ गया अपने पास, ये आ गया है कंडीशन।
अब हमें इसमें से इस प्रथम पद में से डी वी अपॉन डी एक्स का विलोपन करना है। तो ऐसा करने के लिए हम यू का चयन इस प्रकार करेंगे, मतलब हमें डी वी अपॉन डी एक्स का इसको हटाना है, तो इसके लिए हम इसका यू का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये आ जाए अपने पास पी प्लस टू अपॉन यू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए, क्योंकि यह आने पर ये अगर जीरो आ जाएगा अपने पास तो ये इसमें से यू हट जाएगा। तो ये अगर जीरो आ जाए इसमें से तो इसको हम लिख सकते हैं डी यू, सॉरी सॉरी, ये डी यू है, डी यू ये आ जाएगा अपने पास पी अपॉन टू, पी अपॉन टू, टू का डिवाइड कर दिया डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन यू ऑफ डी यू, ये आ गया अपने पास। तो इस ये आ गया अपने पास, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो आ जाएगा अपने पास माइनस लॉग यू, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इसका ये पी और डी अलग अलग है, पर लेकिन पी हाँ क्या एक्स का ही फलन है, तो ये आ जाएगा पी पी बाई टू डी एक्स। अब इस माइनस को हम बदल ले जाते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, माइनस कर दिया, ये ले गए हम माइनस को इधर, तो मेरे पास यू बराबर आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स, ये आ गया अपने पास यू बराबर। इसको इक्वेशन नंबर चार दे देते हैं हम, यू बराबर ये आ गया अपने पास। अब समीकरण, इस समीकरण से इससे हमें ये तो जीरो कर दिया, तो अब बचा क्या है इसमें, इसमें जो अपने पास बचा है वो बचा है यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये पार्ट अपना जीरो हो गया, नीचे आ गया अपने पास वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू आर, ये बचा है अपने पास। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम u से डिवाइड कर देते हैं, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ गया अपने पास। बट इससे अपने पास यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या जाएगा, यहाँ से इससे अगर हम करें तो इससे डी यू अपॉन डी एक्स बराबर लिख सकते हैं हम माइनस पी अपॉन टू यू, माइनस पी यू अपॉन टू लिख सकते हैं इसको, ये तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम इसकी, तो ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले गए हम आर माइनस यू आर अपॉन यू माइनस यू अपॉन वी तो है ही, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी माइनस पी बाई टू, माइनस पी बाई टू यू ये वैल्यू रख दी हमने प्लस क्यू यू, ये आ गया अपने पास। तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो अपने पास आ जाता है आर अपॉन यू माइनस यू अपॉन वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ये पी स्क्वायर अपॉन टू यू प्लस क्यू यू, ये आ गए अपने पास। इसको हम इक्वेशन नंबर फाइव दे देते हैं, इस क्वेश्चन को
और हम अब निकालते हैं जब जबकि अपने पास पी बराबर डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, माइनस पी अपॉन टू यू, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, और इसको हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस पी बाई टू को छोड़ के डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास। इसको डी डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया अपने पास। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इसमें रख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर फिर से डी स्क्वायर वी है, यहाँ डी स्क्वायर वी है तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहीं यहीं पे रख रहे हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पे रख रहे हैं हम इसकी वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में, प्लस यू अपॉन वी डॉट, अब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है हमें, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम, माइनस पी यहाँ माइनस पी अपॉन टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास माइनस पी स्क्वायर यू अपॉन टू माइनस पी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया यू प्लस क्यू यू इक्वल टू आर अपॉन यू। अब यहाँ पे हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो अपने पास थी वो अपने पास माइनस पी बाई टू यू, तो इससे रखने पर ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू अपॉन वी पी स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यू ये हो गया माइनस यू अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर यू अपॉन टू प्लस क्यू यू इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ गया अपने पास। तो ये अपने पी माइनस और प्लस ये कट जाएगा अपने पास। अब हम बी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फ्रेंड्स हमने यहाँ ये गलती की है, ये अपने पास v अपॉन यू था तो ये v अपॉन यू ही रहेगा, v अपॉन यू v अपॉन यू, और ये भी v अपॉन यू ये रहेगा। अब फ्रेंड्स हम u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, यू का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो यू से यू का अंदर मल्टीप्लाई किया है वन अपॉन यू का, तो ये वन अपॉन यू वन रह जाएगा, ये तो कट गया है, इसमें से ये रह जाएगा माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू, ये रह गया इक्वल टू आर अपॉन यू, ये है अपने पास। फ्रेंड्स ये गलत हो गया क्योंकि हमने पी स्क्वायर वैल्यू रखी तो ये पी स्क्वायर अपॉन फोर आएगा, इससे अपने पास जो बचेगा वो बचेगा डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी अपॉन यू, ये आ जाएगा अपने पास जो यहाँ से ये कटेगा नहीं पूरी तरह से, इसमें रह जाएगा ये वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर यू रह गया,
ये रह गया माइनस यू बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू आर अपॉन यू, ये रह गया अपने पास। फिर से अब हमने इसमें यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यू का अंदर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर माइनस डी पी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू आर अपॉन यू, ये हो गया अपने पास। अब फ्रेंड्स यू यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यू बराबर हमने यहाँ निकाला था यू बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू ई की पावर पी एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो हम ये वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्यू को हम आगे ले आते हैं, क्यू को आगे ले आए माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन, ये टू रह गए थे नीचे, वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ गए वन बाई इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ यू, अब नीचे है तो ऊपर जाने पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव में था, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वन बाई टू पी ऑफ डी एक्स, ये आ गया। इसको हम अगर और फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आई डॉट वी प्लस आई डॉट वी इक्वल टू एस, वेयर आई बराबर है अपने पास क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, एंड एस बराबर है आर एक्सपोनेंशियल वन बाई टू पी डी एक्स, ये अपने पास एस बराबर या आर अपॉन यू, ये लिख सकते हैं। अब ये आ जाता है अपने पास, तो हम इन सूत्रों की हेल्प से अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं आगे वो सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम आसानी समझ सकें। अब फ्रेंड्स हमने जो एग्जांपल लिया है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009, 2002, 2004 में पूछा गया है, ये उदयपुर में भी पूछा गया, कई बार बीकानेर में पूछा गया, जोधपुर में पूछा गया और अजमेर में भी। अब सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है अपने पास, वो है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट सेन टू एक्स, मतलब ये है माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर सेन टू एक्स, ये दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर करने पे अपने पास आ जाता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास ये थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ऐसे में पी क्यू आर की जो कंपेरिजन करते हैं तो इसमें पी पी बराबर आ जाता है अपने पास माइनस फोर एक्स, क्यू बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड आर बराबर आ जाता है अपने पास माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। फिर से अगर हम हमारे पास वो जो पहले हमने जो पढ़े थे पिछली क्लास में वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, या वन प्लस पी पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाता है तो ये अच्छी बात है। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम यू निकालने के लिए यू निकालते हैं, वो अपने पास जो सॉल्यूशन होता है वाई बराबर यू वी, जहाँ पे हम यू क्या होता है यू होता है अपने पास जो हमने इक्वेशन पढ़े फॉर्मूला जनरेट किया था उसमें यू बराबर आया था अपने पास एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू
पी डॉट डी एक्स, ये आया था अपने पास। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू, पी क्या है अपने पास, माइनस फोर एक्स। तो माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर एक्स ऑफ डी एक्स, ये इसका एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू टू फोर हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, यू बराबर आ गया अपने पास। अब हमारे जो समीकरण का सॉल्यूशन होता है वो होता है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं हमारा सॉल्यूशन वाई बराबर यू भी है, तब हमने जो निकाला था वो निकाला था हमने इस फॉर्म से, एक कंडीशन निकाली थी वो निकाली थी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। जहाँ पे हमने आई निकाला था वो था अपने पास क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये निकाला था हमने। तो अब इससे ये निकाल दिया, तो q क्या था अपने पास में, q क्या है, q फोर, ये रहा q फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन बाई फोर, पी स्क्वायर क्या है, p ये रहा, तो इसको स्क्वायर हो जाएगा अपने पास सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, तो डी पी अपॉन डी एक्स मतलब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी पी अपॉन टू डी एक्स, तो ये फोर हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो इस कंडीशन में अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आता है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, ये आ गया अपने पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वन आ गया, ये I बराबर अपने पास बन आ चुका है, अब इसमें I बराबर बन ये आ चुका है अपने पास। अब फ्रेंड्स I बराबर बन आ चुका है, तो हम निकालते हैं S। S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है R एक्सपोनेंशियल ऑफ वन बाई टू P ऑफ dx, ये होता है। तो ये आ गया अपने पास, R क्या है, R अपने पास माइनस थ्री, ये रहा आर माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ये है ये एक्सपोनेंशियल वन बाई टू। पी पी क्या था अपने पास, पी है माइनस फोर एक्स, तो ये आ गया माइनस फोर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर एक्स ऑफ डी एक्स, ये आ गया, तो ये आ गया थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई होता है ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो जाए कट के वन हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस थ्री साइन टू एक्स, ये आ गया। तो अब इस कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन आ गया था वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है, वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। तो आई बराबर बन आ गया अपने पास, ये आ गया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी, आई बराबर वन, वी इक्वल टू माइनस थ्री साइन टू एक्स। अब फ्रेंड्स ये हमने जो सबसे पहले पढ़ी थी वो ये अचर गुणांकों वाले रेखा का समीकरण में बदल चुकी है, अब इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस वन वी इक्वल टू माइनस थ्री साइन टू एक्स। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकालने के लिए हमें सहायक समीकरण की ज़रूरत होती है। जो सहायक समीकरण होता है वो होता है अपने पास एम स्क्वायर प्लस वन, डी की जगह एम रख दो उसको जीरो रख दो, तो एम बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा। अतः सी एफ क्या आ गया अपने पास, सी एफ आ गया सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये आ गया अपने पास सी एफ। अब पी आई निकालते हैं, पी आई क्या होता है अपने पास, हमने पहले पढ़ चुके हैं वन अपॉन एफ डी
और क्यू एक्स ही होता है। तो ये हो गया वन अपॉन एफ डी, क्या हो गया अपने पास डी स्क्वायर प्लस वन और क्यू एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स। अभी अभी इस पे माइनस ए स्क्वायर पे जीरो नहीं हो रहा, तो हम सीधे अप्लाई कर देंगे इसको। तो माइनस थ्री माइनस फोर प्लस वन साइन टू एक्स इक्वल टू आ गया साइन टू एक्स आ गया। अब फ्रेंड्स इसका हम जो सॉल्यूशन ये आ गया है, सिर्फ वी बराबर जो सॉल्यूशन आया है वो आया अपने पास सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, मतलब सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं, तो सी एफ ये हो गया, पी आई हो गया प्लस साइन टू एक्स। और अपने पास यू बराबर क्या था, वो था अपने पास ई की पावर एक्स स्क्वायर। यू बराबर हम यहाँ निकाल चुके हैं, यू बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर। और जो सॉल्यूशन क्या हो मान के चले लेते हैं वाई बराबर ई डॉट वी, तो वाई बराबर अपने पास सॉल्यूशन आ गया सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास इसका सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पे पी क्यू एवं आर कोई भी एक्स के फलन होंगे। एक्स होंगे इसमें वाई नहीं होगा, मतलब ओनली एक्स वेरिएबल होगा, और कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, मतलब या तो एक्स या एक्स वाई एक्स के फलन होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब फिर इसमें हम पहले सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, यानी कि रेखीय अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना जबकि पूरक फलन का पूरक फलन में विद्यमान एक समाकलन ज्ञात हो, मतलब कि हमें सी एफ एक सॉल्यूशन उसमें ज्ञात होंगे। जैसे दो सॉल्यूशन होते हैं मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सॉल्यूशन को, तो उसमें से एक ज्ञात होगा दूसरा हमें ज्ञात करना है उस तरह के। अब एक हमें कैसे ज्ञात करना है, एक ज्ञात करने के लिए हमें उसमें निरीक्षण विधि यूज़ करनी होगी, जैसे कि वाई बराबर एक्स कब बन सकता है इसका सॉल्यूशन, वाई बराबर एक्स स्क्वायर कब बन सकता है, हम ऐसे उसको सॉल्यूशन करके देखेंगे, जिससे जिसको सॉल्व करने पर जो पहले हम आर को जीरो मान लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आर, और अगर आर को जीरो मानने पर उसको सेटिस्फाई कर जाए पूरा जो जो इसका ये राइट हैंड साइड है, इस आर को हम जीरो मान लेना है और ये राइट हैंड साइड है ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो गया तो इस कंडीशन में वाई बराबर ये आर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब कि वाई बराबर जो हम मानेंगे वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि वाई बराबर सी एफ वाई बराबर ई की पावर एक्स होगा, अगर वन हम चेक कर लेंगे अगर वन प्लस पी प्लस क्यू, जो पी और क्यू एक्स एक्स के फंक्शन होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है तो वाई बराबर ई की पावर एक्स का सॉल्यूशन होगा। उस कंडीशन में हम वाई बराबर ई की पावर एक्स डॉट बी इसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे। अब यदि वन माइनस पी प्लस क्यू इसका सॉल्यूशन है तो वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स होगा। अगर वाई एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इसका सॉल्यूशन है तो वाई बराबर ई की पावर एम एक्स सी एफ होगा। अगर पी प्लस क्यू एक्स इसका सॉल्यूशन है तो वाई बराबर एक्स सी एफ होगा। वाई बराबर एक्स स्क्वायर सी एफ कब होगा, अगर टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो, एवं वाई बराबर एक्स की पावर एम, इसी तरह वाई बराबर एक्स पावर एम कब सॉल्यूशन होगा, यदि एम क्वेश्चन एम प्लस एम माइनस वन एम क्वेश्चन एम माइनस वन प्लस टू पी एम प्लस क्यू एक्स क्यू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आ जाए तो ये अपना सी एफ होगा। इस कंडीशन में हम वाई बराबर एक्स पावर एम वी वी को जो हमने ज्ञात करना होगा उसे मेथड अभी पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन मान लेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, अगर हमें हमारे पास एक अगर इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। अब चूंकि वाई बराबर यू इसका एक पूरक फलन है, पूरक फलन निकाला है हम, तो हम उसको यहाँ पे वाई बराबर यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी पी
du अपॉन dx प्लस q qu इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम मान लेते हैं, माना y बराबर यू वी, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये है, y बराबर यू वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मान लिया हमने, जहाँ u अपने पास पहले से ज्ञात होगा, v अपने को ज्ञात करना है, ये करना है। तो अब इससे हम सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जो अपने पास इक्वेशन है, क्योंकि सॉल्यूशन है अगर, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है अपने पास यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब हमने पहले यू का डिफ्रेंसिएशन किया, वी को वी का डिफ्रेंसिएशन किया यू को छोड़कर, उसके बाद वी को छोड़कर यू का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब ये आ गया अपने पास, अब इसके बाद हम निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, इसका कर देते हैं, तो हमने यू को छोड़ दिया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार यू का कर देंगे हम, तो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि इसको छोड़ा हमने, प्लस इस बार हमने वी को छोड़ दिया, तो वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, तो डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब चूंकि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हम इसका मान जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। अब हम ये वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इन दोनों को कंबाइंड करके पुट वैल्यू ऑफ 3 इन 1, ये कर दिया हमने, तो हमने वैल्यू रख दी, तो ये आ गया अपने पास यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स डॉट डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी, यहाँ यू है ये, यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी डी एक्स स्क्वायर वी डी स्क्वायर वी अपॉन डी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया वैल्यू, प्लस प्लस इसमें क्या अपने पास पी डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ से रखने पे वो आ गए अपने पास यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू। अब हमने यहाँ पे क्या माना था, वाई बराबर यू बी, तो यू बी इक्वल टू आर, ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, अब ये आ गया, इसके बाद हमें आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स
सॉरी, हाँ डी स्क्वायर बी अपॉन डी स्क्वायर डी बी अपॉन डी एक्स तो अंदर आ गया है इसके पास, यहाँ से हमने कॉमन लिया है 2 du अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हमने डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो प्लस पी यू, या गया पी यू प्लस, अब यहाँ पे v कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस बी कॉमन ले लिया पी डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस क्यू ऑफ यू इक्वल टू आर, ये आ गया अपने पास, ये आ गया। तो अपने पास ये क्या हो गया, डी स्क्वायर यू अपॉन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसे जीरो हो जाएगा, मतलब क्यू यू इस तरह से, ये क्यू डॉट यू आया हमने, क्यू इसमें इस वी कॉमन लिया है, तो क्यू डॉट यू आया है अपने पास, ये जीरो हो जाएगा अपने पास। ये जीरो हो गया, तो अपने पास जो बच गया वो है अपने पास यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू इक्वल टू आर, ये बच गया अपने पास। जब ये बच गया अपने पास तो हम इसको और हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, यू को डिवाइड कर दिया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यू को डिवाइड किया तो टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया मान ले लो, ये हो गया। अब हम लिख देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, हम कोई पी मान लेते हैं, क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हम पी मान लेंगे, कोई स्मॉल पी माना है हमने डी स्क्वायर वी अपॉन डी, तो ये आ जाएगा अपने पास स्मॉल पी, लेट डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कोई स्मॉल पी मान लिया, ये मान लिया हमने स्मॉल पी, तो ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर पी अपॉन, सॉरी डी पी अपॉन डी एक्स प्लस, ये आ जाएगा अपने पास टू, ये कैपिटल पी है ही, प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स स्मॉल पी इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ गया अपने पास। अब जब ये आ गया अपने पास तो इसको हम आगे करते हैं, ये अपने पास डी पी अपॉन डी एक्स प्लस हाँ, ये अपने पास किस फॉर्म में आ गया अपने पास ये देखते हैं, इसको डी पी अपॉन डी एक्स डॉट, अब ये स्मॉल पी है तो स्मॉल पी का स्मॉल पी यहाँ पे और कैपिटल पी का फंक्शन यहाँ पे आर अपॉन यू, तो हम इसका हम आई एफ निकाल सकते हैं, जो आई एफ होगा वो होगा एक्सपोनसिबल ऑफ समाकलन पी प्लस टू यू डी यू अपॉन डी एक्स डी एक्स, ये एक्सपोनस ये हो गया इसका आई एफ, इसको हम और लिख सकते हैं एक्स पी समाकलन ऑफ पी डी एक्स प्लस टू यू अपॉन डी यू, ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्सपोनसिबल पी डी एक्स प्लस टू लॉग यू, तो ये आ गया ये बराबर यू स्क्वायर ई की पावर पी डॉट डी एक्स, ये इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दिया है। अब इसमें हम जैसे इसमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 का यूज करें, समीकरण 5 का हल होगा, अब जो उसका हल निकालने के लिए वो कर, ये इसका सॉल्यूशन कब होगा, अगर सॉल्यूशन होगा ये हमारे पास, ये आई एफ आ चुका है, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आई सॉल्यूशन होता है अपने पास स्मॉल पी यू स्क्वायर ई की पावर पी ऑफ डी एक्स
इक्वल टू आर अपॉन यू डॉट यू स्क्वायर ई की पावर पी ऑफ डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी वन, ये इसका सॉल्यूशन होता है। या इसको हम लिख सकते हैं पी बराबर वन अपॉन यू स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इससे यू से ये क्यू बच गया आर यू ई की पावर पी डी एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी वन अपॉन यू स्क्वायर, जो सी वन था सी वन अपॉन यू स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा पी ऑफ डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया हमने इसको। अब हम इसमें पी बराबर डी वी अपॉन डी एक्स रख लें, क्योंकि पी बराबर अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स था, तो वो हो गया पी बराबर ये डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वन अपॉन यू स्क्वायर ई की पावर माइनस ये कैपिटल पी है डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आर यू ई की पावर आयोटा पी एक्स पी डॉट डी एक्स प्लस सी वन अपॉन यू स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा पी डी एक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास जो वी बराबर आता है, वी बराबर इसको सॉल्व करने पे अपने पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है स्मॉल ये पी डॉट डी एक्स प्लस सी टू, इसको सोल्व करने पे आएगा, क्योंकि हम जैसे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी है तो ये वी बराबर अपने पास यही तो आया वी बराबर पी प्लस डी एक्स, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सी टू वो आ गया। अब हम वी बराबर ये इस मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब टू फाइंड द इंटीग्रल देखते हैं। सबसे पहले इससे पहले टू फाइंड वन इंटीग्रल बिलोंगिंग टू द सी एफ इंस्पेक्शन ये देखते हैं। टू फाइंड द इंटीग्रल बिलोंगिंग टू द सी एफ इंस्पेक्शन, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन को हम जो इक्वेशन दी हुई है उसमें आर बराबर जीरो मान लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। अब हमने जो ई की पावर एम एक्स वाला सोल्यूशन निकाला, जैसे हम वाई बराबर ई की पावर एम एक्स लेके चलें तो वाई बराबर वो हमने निकाला था जिसमें वाई बराबर एम एक्स लेते थे, तो ये एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस पी ई की पावर एम एक्स डॉट एम प्लस क्यू ई की पावर एम एक्स, तो एम स्क्वायर प्लस पी एम पी प्लस क्यू। ई की पावर एम एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा नहीं, तो हमने यही तो लिया था एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, हमने ये इस कंडीशन में हमने ये निकाला था। ऐसे ही बाकी के जो भी हमने फॉर्मूले थे वो निकाल लेते हैं। वाई बराबर एक्स एक्स बराबर हमने सॉल्व किया था, वाई बराबर एक्स स्क्वायर सॉल्व किया था, और जिससे अपने पास जो सॉल्यूशन आए थे वो ये आए थे वाई बराबर ई की पावर एक्स और वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स, ये कंडीशन आ जाती है। वाई बराबर ई की पावर एम एक्स से एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो आ जाती है, वाई बराबर एक्स मानने पर पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर मानने पर टू टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर जीरो आता है, वाई बराबर एक्स पावर एम मानने पर एम कोस एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ही आता है। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं इनमें से। अभी हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2004 में पूछा था, 2014 में पूछा था, 2016 या 18 में पूछा गया है, अजमेर में पूछा गया 2000 में 2004 में, उदयपुर में 2000 2002 2012, जोधपुर में 2000 2010 2014, बीकानेर में भी 06 में पूछा गया है। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेने के लिए हम
सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका जो मल्टीप्लाई में, इसका जो मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है वो 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर भाग दे देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भाग दिया तो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पी बराबर क्या है अपने पास, पी बराबर आ गया अपने पास माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, एंड क्यू बराबर क्या आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम देख सकते हैं पी प्लस क्यू, इसमें अगर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाता है, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपने पास, पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0। तो इसका जो एक सॉल्यूशन होगा वो होगा अपने पास वाई बराबर एक्स। सो सी एफ इसका होगा, सी एफ होगा वाई बराबर एक्स, ये होगा। अब हम मान लेते हैं लेट वाई बराबर वी एक्स इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मान लिया हमने वाई बराबर वी एक्स सॉल्यूशन मान लिया। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है, इसमें वाई वाई की वैल्यू ज्ञात, वी की वैल्यू ज्ञात करनी है। वी की वैल्यू क्या है, अब वी की वैल्यू जो आएगी उसको हम बाद में इसमें रख देंगे, और वाई बराबर जो वी एक्स, जो वी की जो भी आएगी वी इंटू एक्स होगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जरूरी है, डी वाई अपॉन डी एक्स जरूरी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो वो आ जाता है अपने पास वी, क्योंकि एक्स का तो बन गया जाएगा प्लस एक्स को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स। और एंड डी, ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट देते हैं हम, इस क्वेश्चन फर्स्ट इसको हम 2 दे देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला तो ये आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स को छोड़ के डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसको इस बार हमने डी वी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया तो एक्स का क्या, तो वही वन आ जाएगा, या मतलब डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, उसको यहाँ लिख दिया 2 dv/dx प्लस एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, 1, 2 और ये 3 मान, 3, 4, 5, ये 5, पुट 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हमने पुट 3, 4, 5 एंड इक्वेशन फर्स्ट, तो ये रखने पे अपने पास आ गया, ये रखा तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv/dx माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस प्लस ये क्या है 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर क्या था अपने पास वी एक्स इक्वल टू आर, ये अपने पास आ गया। जब ये आ गया अपने पास तो हम इसे आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो रहेगा एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv/dx, इसका वी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी प्लस 2v/x, इस बार इसका मल्टीप्लाई किया हमने ये माइनस साइन आएगा, माइनस एक्स dv/dx प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 अपॉन x.x dv/dx प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया वी, तो एक्स एक्स कट जाएगा प्लस 2 अपॉन x v इक्वल टू आर। अब हम देखते हैं क्या क्या कट सकते हैं, ये 2 अपॉन x v माइनस 2v/x ये कट गया, v से v कट गया, तो अपने पास ये बचा क्या, ये 2x से x कट गया तो 2 dv/dx बच गया,
इधर ये बच गया, ये भी अपने पास माइनस टू डी बी अपॉन डी एक्स और टू डी बी अपॉन डी एक्स ये कट गए हैं, तो अपने पास बच गया एक्स डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर, ये बच गया अपने पास। अब हमने एक्स के इसमें डिवाइड कर दिया, तो एक्स के डिवाइड करने पर अपने पास क्या जाता है, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बी अपॉन एक्स को हम डिवाइड कर दिया। और आर बराबर क्या था अपने पास, ये आर लिखा है हमने, आर बराबर था अपने पास एक्स, आर बराबर एक्स ई की पावर एक्स, ये अपने पास तो आर बराबर एक्स ई की पावर एक्स लिखा है हमने यहाँ पे, यहाँ एक्स ई की पावर एक्स है ये, तो इसके डिवाइड किया तो ये आ गया ई की पावर एक्स, ये हो गया अपने पास। अब हमने मान लिया लेट डी बी अपॉन डी एक्स बराबर पी मान लिया हमने, तो ये अपने पास आ गया डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया डी पी अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया अपने पास डी पी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस पी इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आ गया अपने पास। अब इसका हम आई एफ निकालते हैं, क्योंकि ये एक घात वाला है, तो इसका हम आई एफ निकालते हैं। आई एफ आता है ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स, तो यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे मतलब वो एक्स फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे उसको कॉन्स्टेंट क्या है, वो है ई की पावर माइनस वन ऑफ डी एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया इसका सी एफ। अब आई एफ आ गया इसका, ये आई एफ। अब इसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन, तो पी सॉल्यूशन होता है पी ई की पावर माइनस एक्स, जो कि अपना आई एफ होता है, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो पी आई एफ बराबर समाकलन ऑफ क्यू क्यू जो भी होता है आई एफ ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ये होता है, तो पी ई की पावर माइनस एक्स बराबर प्लस सी बराबर होता है समाकलन ऑफ क्यू क्या है अपने पास ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी वन, तो ये आ गया अपने पास पी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो बना बन हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस सी वन, और ये आ गया पी बराबर एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स। पर पी बराबर क्या है, मैं पी बराबर माना है यहाँ पे, कहाँ माना है, पी 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 यहाँ माना है हमने, यहाँ माना है डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी माना है, तो ये आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आ गया अपने पास एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स। वी बराबर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू। अब हमें जो तो सॉल्यूशन देना होता है वो हमें इस फॉर्म में देना होता है, तो सॉल्यूशन देना होता है वो हमें देना होता है अपने पास वाई बराबर, जो शुरू में हमने सॉल्यूशन माना था वो माना था हमने वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स ये हमने सॉल्यूशन माना था, वाई बराबर वी एक्स, तो वाई बराबर बी एक्स से सॉल्यूशन देना होता है हमें। वी वी बराबर अपने पास ये आ चुका है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू और वी इंटू एक्स, ये अपने पास जो सॉल्यूशन है ये आ गया। इसको हम और भी हम सॉल्यूशन जैसे एक्स का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल पूछा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, 3 में पूछा है, 12 में पूछा है, 13 में पूछा है और 13 के बाद पूछा होगा, तो मेरे पास उसके कोई प्रूफ नहीं है कि पूछा है नहीं है, पूछा मतलब मेरे पास जो बुक है उसमें यहीं तक दे रखा है मुझे जो सॉल्यूशन मिला है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, इसमें पी बराबर क्या है माइनस कॉट एक्स, क्यू बराबर क्या है माइनस वन प्लस कॉट एक्स, ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वन वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो रहा है,
डेफिनेटली वन प्लस क्यू यानी कि वन प्लस क्यू क्या है, वन प्लस पी क्या है, पी है अपने पास माइनस कोटेक्स, क्यू क्या है माइनस वन प्लस कोटेक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, माइनस वन प्लस मतलब कि ये कंडीशन वन प्लस पी प्लस क्यू कब होता है, जब सी एफ बराबर अपने पास वाई बराबर ई की पावर एक्स हो, ये हो तब ये होता है। तो हमने मान लिया लेट इसका सी एफ आ गया अपने पास ये वाई बराबर वी ई की पावर एक्स इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया है इसे कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हम इसके लिए सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो ये आ गया अपने पास वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला तो ये आ गया अपने पास वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स टू, क्योंकि एक बार हमने इसको छोड़ के इसका किया तब भी आएगा एक बार ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इस तरह से दो बार आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। तो अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे देते हैं, जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन रख देते हैं, तो ये रखने पे अपने पास आ जाता है वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉट माइनस कॉट एक्स नहीं कॉट माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अपने पास वी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये आ गया, प्लस ये माइनस वन माइनस कॉट एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स, और वाई बराबर क्या अपने पास वी ई की पावर एक्स इक्वल टू आर बराबर क्या है अपने पास ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स ये आ गया अपने पास। तो ये आ गया, हम इसमें से हम ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 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 ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ के से ई की पावर एक्स ले सकते हैं, यहाँ से भी, तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा। तो ये कटने के पास बाद अपने पास आ जाता है वी प्लस डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स डॉट वी प्लस ई की पावर एक्स गया तो माइनस और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस कॉट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस वी ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अगर कोट एक्स वी ई की पावर एक्स तो पहले ही गया अपने पास से कॉमन लेके, कोट एक्स बी ई की पावर कोट एक्स आ गया, ये आ गया अपने पास। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या कट जाता है, इसमें से कट जाता है अपने पास वी से वी गया, वी कोट एक्स से वी कोट एक्स गया, तो अपने पास बचा है वो बचा है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस कोट एक्स टू माइनस कोट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स या इक्वल टू साइन एक्स था इक्वल टू साइन एक्स, ये बचा है अपने पास। अब इसको हम इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए कुछ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी मान लिया हमने, लेट डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, तो इन दिस केस डी पी अपॉन डी एक्स प्लस टू माइनस कोटेक्स पी इक्वल टू साइन एक्स। अब हम आई एफ निकालते हैं, इसका आई एफ निकालते हैं तो वो आ जाता है आई एफ आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू माइनस कोटेक्स
ऑफ डी एक्स तो ये आ गया अपने पास ई की पावर 2x। अब माइनस कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स ये हो जाता है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर 2x डॉट, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, ये आ गया क्योंकि तो ये लॉग साइन इनवर्स में पहुंच जाएगा तो इसे ये कट जाएगा, ये इसको इस तरह से कर सकते हैं ई की पावर 2x डॉट ई की पावर लॉग 1/sin x ये लिख सकते हैं। तो ये इसके इससे ई की पावर 1/x आ जाएगा और ई की पावर 2x आ जाएगा। अब अपने पास ये आ गया पी आई एफ आ गया ये। अब जो सॉल्यूशन हो जाता है पी डॉट आई एफ बराबर होता है अपने पास आई एफ डॉट क्यू एक्स ऑफ डी एक्स। अब पी क्या है, पी तो अपने पास आई एफ है ई की पावर 2x डॉट साइन एक्स इक्वल टू आई एफ ई की पावर 2x साइन एक्स, और क्यू एक्स क्या है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स गया, ये ई की पावर 2x ये आ गया प्लस c1। तो पी बराबर पी ई की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 ई की पावर 2x। इंटीग्रेशन करने पे यही आया इसका, हाँ प्लस c1 ये आ गया। तो पी बराबर अपने पास आ गया साइन एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई किया साइन एक्स अपॉन ई की पावर -2x का, तो ये आ गया ई की पावर -2x, तो ये साइन 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट ई की पावर -2x। तो इसको हम डी पर डी बी अपॉन डी बराबर क्या है डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर -2x ये आ गया। तो b बराबर क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट ई की पावर -2x ये आ गया इंटीग्रेशन। तो अपने पास ये आ गया b बराबर आ गया 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट ई की पावर -2x। इसको हम इक्वेशन नंबर कोई कोई भी क्वेश्चन दे दें, जैसे 3 दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन सिंपली सीधे नहीं आता तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लेट आई बराबर मान लेते हैं साइन एक्स ई की पावर -2x ये निकल ले लिया हमने। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट डॉट सेकंड रूल लगा दिया लगाएंगे फर्स्ट डॉट सेकंड रूल लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने साइन एक्स को छोड़ दिया। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2x का आ जाएगा अपने पास -2 ई की पावर -2x माइनस, हमने इसको इसको साइन एक्स को छोड़ा तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स ये हो जाएगा। और ई की पावर -2x का तो -2 ई की पावर -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 ये आ गया इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 2 ई की पावर -2x प्लस, इस बार फिर से हमने 1/2 रूल लगा दिया तो इसमें कॉस एक्स को छोड़ दिया, हमने कॉस एक्स बाई 2 को छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर -2x ऑफ डी एक्स ये लगा दिया तो ये आ गया अपने पास -sin x/2 ई की पावर -2x माइनस, ये हो गए 1/4 ई की पावर -2x कॉस एक्स माइनस 1/2 तो है ही बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 ये अपने पास
कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा, साइन हो जाएगा माइनस साइन, ये साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स। इस ये क्या है, अपने पास आई है, इसको हम आई लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में है ये, तो ये आ गया अपने पास। इसको इधर ले आए तो ये आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू आ गया 5/4 आई इक्वल टू माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू माइनस 1/4 ई की पावर माइनस टू एक्स कॉस एक्स, या आई बराबर आ गया अपने पास माइनस टू वन अपॉन फाइव, माइनस माइनस साइन बाहर ले आए तो माइनस के बाहर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस में साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स टू से मल्टीप्लाई प्लस ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स, ये आ गया अपने पास आई बराबर आ गया है ये। अब हम इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास, तो यू वी बराबर आ गया अपने पास माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/5 टू साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स कॉस एक्स, ये आ गया अपने पास। तो हमने सॉल्यूशन जो होता है यू डॉट बी होता है, वाई बराबर यू डॉट बी था अपने पास, और यू बराबर क्या था अपने पास इस कंडीशन में, ई की पावर एक्स था, तो ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया वाई बराबर माइनस 1/2 माइनस सबसे बाहर ले लिया कॉस एक्स प्लस 1/5 टू साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स डॉट ई की पावर एक्स, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इस डॉट मल्टीप्लाई में यहाँ पे ई की पावर, ये इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास। इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था युगपत अवकल समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके कुछ मेथड थे। युगपत अवकल समीकरण सेमिटोनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी फॉर्म होती है f1dx प्लस f2dy इक्वल टू फाइव टी, g1dx g2dy इक्वल टू साई टी, जहाँ f1 f2 g1 g2 d के फंक्शन हैं, फाइव टी एंड साई टी t के फलन है, एक्स वाई कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनका जो पहला मेथड था सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड में हमने ये निकाला था y बराबर जो सॉल्यूशन होता है, y बराबर होता है 1/f1d f g1d f2d g2d, ये इसका मोड होता है। और इधर दूसरा दूसरा मैट्रिक्स होता है f1d1 f1d फाइव टी g1d साई टी, जहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी f1d g1d f2d g2d इक्वल नॉट जीरो। और इसी तरह हमने x बराबर निकाला था, वो था माइनस 1/f1d g1d f2d g2d। और दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ इसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन था, इसमें g2d फाई टी g2d साई टी, और यहाँ पे भी नेसेसरी कंडीशन यही थी कि इक्वल नॉट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अपने पास सॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा मेथड था अपने पास वो था डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड में क्या था, कोई जैसे कोई हमारे पास दो मेथड दो इक्वेशन दी हुई होगी, उसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा डी वाई अपॉन डी टी होगा डी एक्स अपॉन डी टी होगा, उसमें हम क्या कर रहे थे, कहीं हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम उसमें एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल के हम दूसरे में रख देते थे, जैसे वो द्विघात समीकरण में बदल जाता था और उससे सॉल्यूशन आ जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो वहाँ जाके। जो आज हमें वो पढ़ना है, आज वो है अपने पास प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के युगपत समीकरण, मतलब सेमिटोनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये पढ़ते हैं। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz, p2 dx प्लस इक्वल टू जीरो,
पी टू डी एक्स प्लस क्यू टू डी वाई प्लस आर टू डी जेड इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। वेयर पी वन पी टू क्यू वन क्यू टू आर वन आर टू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं, जैसे हम डी एक्स के नीचे लिखना चाहता है लिखना चाहते हैं, तो डी एक्स इसको इसका मल्टीप्लाई, मतलब इस वेक्टर ले लो क्यू वन आर टू क्यू टू माइनस आर वन, जो है क्यू वन आर टू माइनस क्यू टू आर टू। इसी तरह डी वाई, डी वाई का ये इसको हमने छोड़ दिया। इसके बाद हमने ये किया, ये देखो पी वन, पी वन इसको अलग से मैट्रिक्स बना लिया, इसको और इसको यहाँ पे, और इस अगले में इस पी वन डी एक्स इसको यहाँ पे लिख के, तो आर वन पी टू आर टू पी वन माइनस पी में आ गया। इसी तरह डी जेड बराबर, डी जेड बराबर निकाला वो होता है पी वन क्यू डी जेड बटे पी पी टी क्यू टू माइनस पी टू क्यू वन, ये इक्वल है। इससे अपने पास क्या था, मतलब ये इस फॉर्म में था, फॉर्म में है डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू एवं डी जेड अपॉन आर। अब इसे जो कंप्यूट सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने पर जो कंप्यूट सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा, अपना यू कोई फलन होगा एक्स वाई जेड का बराबर सी वन। और इनमें से कुछ दो को हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, या इनको सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह दो को सॉल्व करना है। और फिर एक आएगा वी एक्स वाई जेड बराबर सी टू। और कई बार कंडीशन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं तीनों को सॉल्व करने पर एक क्वेश्चन आ जाए, तो तीनों को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। वेयर यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से मतलब है कि अगर ऐसे नहीं आना चाहिए कि यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट से मतलब अपना यहाँ पर ये है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि अगर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए एंड आ जाए फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, क्योंकि इस कंडीशन में ये अपने पास डिपेंडेंट हो गए, फोर सी आ जाए फोर सी, इस कंडीशन में अपने पास ये हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना फोर और सी, ये सी वन हो गई अलग इक्वल टू सी वन, डिपेंडेंट हो गए, मतलब इस तरह से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब आता है अपने पास मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं, इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले आता है फर्स्ट मेथड, हाँ फ्रेंड्स अब आता है फर्स्ट मेथड, अपने पास फर्स्ट मेथड क्या होता है वो देखते हैं। अपने पास जो फर्स्ट मेथड है वो होता है इस फॉर्म में, तो ये होगा अपने पास डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इस फॉर्म में होगा। अब इस फॉर्म में होगा तो हम कोई भी ऐसी कांस्टेंट देखते हैं एल एम एन, जो कि एक्स वाई जेड के फलन भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो सकते हैं, हम अब हम ये करते हैं कि हम इस तरह से देखते हैं, ये आ जाता है अपने पास एल डी एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन, हमने एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे किया, तो ये एल पी प्लस क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन आर, एन आर ये हम निकाल लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर टू दे देते हैं। ये जो अपने पास क्वेश्चन आती है वो इस तरह से आती है कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, सॉरी इस प्रकार लेते हैं हम एल पी, और ये कि जो अपना अंश हो ना वो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू जीरो हो, इस तरह से लेते हैं हम। ये जीरो के इक्वल आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ये जीरो के इक्वल आ गया तो हम इसको लिख देते हैं एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, ये आ गया।
या इसको सॉल्व करने पर जो आता है अपने पास है, इसको सॉल्व करने के बाद आता है अपने पास कोई मतलब ये फंक्शन आएगा यू, सॉल्व करने के बाद कोई यू का फंक्शन आएगा तो डी यू इक्वल टू जीरो तो आ जाता है यू इक्वल टू सी वन, ये आ गया। अब इसी प्रकार हम कोई और अलग से गुणांक देखते हैं, वो इस तरह से होंगे, हम इस बार देखे हमने एल एल डैश देखा, एम डैश देखा, एन डैश, ये दूसरे दूसरे देखे वो इस तरह से, वो भी इस तरह से देखने में एल डैश पी प्लस एम डैश क्यू प्लस एन डैश आर इक्वल टू जीरो हो जाए। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास वो एल डी एल डैश डी एक्स प्लस एम डैश डी वाई प्लस एन डैश डी जेड इक्वल टू जीरो, ये आएगा, जिससे हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा डी वी इक्वल टू जीरो यानी वी इक्वल टू सी टू, ये आ गया। मतलब ये जो ये फॉर्म होगी वो एग्जैक्ट फॉर्म होगी, एग्जैक्ट फॉर्म ये होगा। अब हम जैसे सेकंड मेथड देखें इसका, सेकंड मेथड वो क्या होता है, यदि यदि मतलब कोई इसमें कोई भी चर प्रेजेंट ना हो, मतलब जैसे कि या तो एक्स ना हो, वाई ना हो, जेड ना हो, कोई भी ना हो, या फिर इनको जैसे मल्टीप्लाई करने पर वो कट जाता हो किसी तरह से, तब इस प्रकार के समीकरणों को जो हमने पहले पढ़े थे ना उस विधि द्वारा हल कर सकते हैं। उस विधि द्वारा हल करने के लिए जब उस कंडीशन में वो उस कंडीशन में आ जाता है डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, इस कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि जेड हमने यहाँ जेड अनुपस्थित माना है, तो फिर इस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पी को इस समघात बना सकते हैं, समघात में चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई और मेथड लगा सकते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं तरह से, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रेंड्स हमने ये एग्जांपल ले लिया, हमें सॉल्व करना है वो है सॉल्व करना है वो है ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी बाई जेड, बी डी ए डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड एक्स, सी डी जेड अपॉन बी ए माइनस बी एक्स वाई, ये अपने पास सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, और जिससे मल्टीप्लाई करें उसका सम होकर जीरो हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम इसमें एक्स का गुणा कर लें, इसका इसमें वाई का गुणा कर लें, इसमें हम जेड का गुणा कर लें, तो ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा नीचे, और नीचे कॉमन आएगा बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, इनको जोड़ के हम जीरो कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये अपने पास ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड इक्वल टू बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई इक्वल टू, अब जो इसको इक्वल में क्या लिखते हैं वो लिखते हैं, जैसे इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक्स ए डी एक्स प्लस इसमें वाई का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वाई बी डी वाई प्लस इसमें जेड का जेड सी डी जेड अपॉन, अब इसमें हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड, इसी में इसमें वाई का फिर कॉमन ले लेंगे, इसमें जेड का किया तो एक्स वाई जेड आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ये आ गया अपने पास बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब देखते हैं ए से ए गया, सी से सी, बी से बी, ये जीरो हो गए नीचे, हमें यही चाहिए था, तो इससे अपने पास जो कंडीशन आ गई वो आ गई अपने पास, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स डी एक्स क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इसका हम समाकलन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने टू को बाहर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू ए वाई स्क्वायर आ जाएगा, टू ए जेड स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन टू का इधर डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सिंपल बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि टू का इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये इधर तो जीरो ही है, ये आ गया अपने पास, अब इधर इसको कॉमन लेके इसे डिवाइड भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम।
तो ये आ गया अपने पास डी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ए वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या यू ए इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया यू इक्वल टू सी वन वाले फॉर्मूले से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन। अपने पास एक ही सॉल्यूशन आ गया। अब हम ऐसे दूसरे गुणांक देखते हैं जिससे वो जीरो, ये जीरो बन जाए, दूसरे गुणांक देखते हैं कि नीचे जीरो बन जाए। अब वो जीरो करने के लिए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हम ध्यान से देखें, अगर हम इसमें ए एक्स का गुणा करें और इसमें हम बी वाई का गुणा करें, इसमें हम सी जेड का गुणा करें, तो क्या होता है? देखो ये इस तरह से तो है ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी डी जेड इक्वल टू बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड एक्स इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई। अब हमें सोचने हैं कि इससे इनका सम और मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होकर सम जीरो हो जाए। अब ये देखना है, ज़रूरी नहीं है हम इनमें किसी तीनों में ही हम ऐसे का करें, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इसमें जीरो का हो जाए और इसमें कोई दो का हो जाए तो जीरो हो जाए। अब आप सॉल्यूशन करने के लिए ये मत कर देना कि सभी में जीरो को मल्टीप्लाई कर दें, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी नॉन जीरो करना है। जीरो एक हो सकता है, बस एक हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा होने पर वो एक ही कंडीशन आ जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा उससे। फिर ये मतलब जीरो एक हो सकता है लेकिन दो नहीं हो सकते। ये आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या, हमने ए एक्स को गुणा, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस इसमें क्या हमने बी बी वाई का गुणा बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड। और नीचे क्या आ गया अपने पास, हमने ए का भी मल्टीप्लाई किया है और एक्स का भी, ए एक्स का मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या है अपने पास नीचे बाई जेड है, बाई जेड, तो एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमने ए वाई का किया तो एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है जेड का तो एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड सब में से कॉमन आ जाएगा। अंदर हमने ए बी, ए का तो मल्टीप्लाई किया माइनस ए सी, इसमें हमने बी बाई का मल्टीप्लाई किया था तो बाई वाला कॉमन आ गया, बी का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी बी माइनस ए बी। इसी तरह इधर जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखते हैं हम ए बी, ए बी कट गया, ए सी कट गया, सी बी, सी बी कट गया, हमें जीरो चाहिए था, नीचे वाला जीरो हो गया, तो अपने पास जो आ गया सॉल्यूशन इससे आएगा अपने पास ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। ये हो गया अपने पास, ये हो गया। तो फिर इससे हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, जैसे टू का मल्टीप्लाई दोनों तरफ से कर दें, टू 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 इधर जीरो ही है, डी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हो गया, तो इसको हम और लिख सकते हैं, इसका अब डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, मतलब ये वो फॉर्मेट डी वी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू सी, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। ये दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास। ये अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा ना, वो जनरल सॉल्यूशन समीकरण एक व दो मिलके जो जो लिख देंगे हम, लिखना भी क्या मतलब u एंड v, इसको हम u मान लें, इसको हम v मान लें, तो ये दोनों मिलके जो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे सॉल्यूशन। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है ये सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व करना है डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स अपॉन वन सॉरी डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन थ्री एंड डी जेड बराबर फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। ये सॉल्व करना है। अब हमने बताया ना इसको सॉल्व करने के लिए हम एक को जीरो ले सकते हैं लेकिन दो को नहीं ले सकते, तो एक को जीरो ले लिया हमने, फर्स्ट टू को ले लिया कुल मिला के,
पहले दो पद ले लिए, इन दोनों को सॉल्व करने पे, इन दोनों को ले लिया हमने सॉल्यूशन, ये आ गया डी एक्स अपॉन वन इक्वल टू डी वाई अपॉन थ्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अभी अपने पास एग्जैक्ट फॉर्म है, तो एग्जैक्ट फॉर्म में इसका समाकलन कर दिया, तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी वन, या इसको ये भी लिख सकते हैं वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी वन, इसको सी वन डैश मान लें, माइनस सी वन डैश आएगा, तो माइनस सी वन डैश को हम सी वन लिख देते हैं, सी वन, ये आ गया, ये आ गया। अब हमें दो ये लेने हैं, अब इसे लेने, इसे लेने क्या कर सकते हैं हम, यहाँ वाई माइनस थ्री एक्स है, यहाँ वाई माइनस थ्री एक्स है, यहाँ हम सी वन लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टेंट के इक्वल है। अब इसको और इसको दो पदों को ले लेते हैं हम, डी एक्स अपॉन वन बटे बराबर डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन, पर वाई माइनस थ्री एक्स है ये, वाई माइनस थ्री एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस थ्री एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वन, तो इसको सी वन लिख दिया हमने, ये आ गया। अब ये जेड का फलन है, ये एक्स का फलन है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये टेन सी, ये कॉन्स्टेंट है टेन सी, तो ये आ गया अपने पास, ये तो आ गया एक्स प्लस, ये आ जाएगा लॉग, अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें फाइव का, डिवाइड कर लें फाइव का, तो ये आ जाएगा जेड अपॉन वन अपॉन फाइव, तो आ जाएगा जिस फाइव का डिवाइड किया हमने ऊपर नीचे, तो वन अपॉन फाइव बाहर आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन फाइव टेन सी वन, ये आ गया। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कोई सी, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फाइव एक्स प्लस लॉग ये फाइव प्लस टेन जेड जेड टेन सी वन अपॉन फाइव इक्वल टू सी सी टू, सॉरी सी टू अलग से कांस्टेंट लेना है, ये आ गया सी टू। इसको हम आगे और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा फाइव एक्स प्लस लॉग फाइव प्लस टेन, सी की वैल्यू रख देते हैं हम, सी की वैल्यू क्या है अपने पास, बाई माइनस थ्री एक्स है, बाई माइनस थ्री एक्स, तो बाई माइनस थ्री एक्स ये आ गया। और यू अपन बी से लॉग, यू अपन बी से लॉग माइनस फाइव आएगा, लॉग माइनस फाइव को हम सी वन डैश में इसमें कर देते हैं, तो ये इसको अलग से कॉन्स्टेंट दे देते हैं हम, सी टू डैश, वेयर सी टू डैश बराबर आ गया सी वन सी टू माइनस लॉग फाइव, तो माइनस नहीं प्लस लॉग फाइव, क्योंकि माइनस में आएगा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा लॉग फाइव, ये आ गया सी टू, ये आ गया लॉग फाइव। तो इसका अपना जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया अपने पास, ये फाइव जेड है, सॉरी फाइव जेड, हम जेड लिखना भूल रहे हैं, ये जेड है यहाँ पे, फाइव एक्स प्लस लॉग टेन वाई माइनस, सॉरी सॉरी, फाइव एक्स प्लस लॉग फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी टू डैश, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन पहले आ चुका है वाई माइनस थ्री एक्स बराबर सी वन, और दूसरा सॉल्यूशन आ चुका है फाइव एक्स प्लस लॉग फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी टू डैश, ये आ गया अपने पास। अब इन दोनों को जो सॉल्व, दोनों को मिला के लिख देते हैं, मिलाने पर जो सॉल्यूशन आता है वो अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आता है, मतलब यू एंड बी आर कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको यू मान लें, इसको बी मान लें, तो यू एंड बी आर कंप्लीट सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर फॉर्म, वो पढ़ते हैं हम, मतलब कि समघात रैखिक रूप में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, समघात रैखिक रूप में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अगर वो इस फॉर्म में है ए प्लस बी एक्स
की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस बी वन प्लस ए वन ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट चलते हुए ए एन माइनस वन प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स प्लस यहाँ पे क्यू है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के आगे ए एन प्लस वाई एक और पद है प्लस इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स ये हो ना क्यू कोई एक्स का फलन है ना ए एन माइनस वन से जो ए एन और एन ए वन तक सब कोई कॉन्स्टेंट फलन है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लिया हमने ए प्लस बी एक्स बराबर बी, ए प्लस बी एक्स बराबर बी मान लिया तो आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी। तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी आ गया हम पर डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी वी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास है बी, तो इसने इसको हमने बी को पहले पीछे रखा लेकिन कॉन्स्टेंट है तो आगे ले आए और डी वाई अपॉन डी वी बी डॉट डी वाई अपॉन डी वी आ गया, ये आ गया। उसके बाद हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इस हिसाब से हम डी वाई एक्स निकाला है, इस हिसाब से हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वी स्क्वायर, ये चलता चलता वो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन निकालेंगे वो आएगा अपने पास बी एन डी एन वाई अपॉन डी वी एन। अब हम ये जो वैल्यू निकाली हैं इनका मान हम इक्वेशन में रख देते हैं तो ये आता है अपने पास बी एन, ये सबसे पहले ये वैल्यू जो वी एन है तो ये वी एन आ जाती है, इसका वैल्यू क्या है डी वाई डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन की वैल्यू यहाँ से बी एन डी एन वाई अपॉन डी वाई एन ये लिख दिया बी एन डी वाई डी एन वाई अपॉन डी वी एन, इसी तरह इसमें रख दिया, इस तरह चलते चलते यहाँ पे ए एन वाई बराबर क्यू और जो एक्स था वो एक्स को हम लिख सकते हैं वी माइनस ए अपॉन वी तो वी माइनस ए अपॉन बी ये लिख दिया। अब यहाँ से हमने बी की पावर एन का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो ये वी एन रह गया डी एन वाई अपॉन डी वी एन प्लस वी एन माइनस वन ए वन ए वन और बी, क्योंकि ये बाकी तो ये बी एन माइनस तो बाकी तो कट जाएंगे तो डी एन माइनस वन बाई अपॉन डी वी एन माइनस वन प्लस ए टू बी स्क्वायर वी एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई बराबर बटे डी वी एन इक्वल प्लस डॉट डॉट चलते हुए आ जाएगा अपना ए एन अपॉन बी एन बाई प्लस, हाँ ये लास्ट में ये आ जाएगा ये पता आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा इसके इक्वल में आ जाएगा वन अपॉन बी एन और जो फंक्शन होगा क्यू क्यू जो फंक्शन होगा वो होगा बी माइनस ए अपॉन बी का फंक्शन बी माइनस ए अपॉन क्यू का बी का फंक्शन, इस तरह जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर है प्लस वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर कॉस लॉग वन प्लस एक्स, ये लिया है हमने लॉग वन प्लस एक्स फोर कॉस लॉग वन प्लस एक्स है ये ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लेते हैं लेट वन प्लस एक्स इक्वल टू वी, तो इससे क्या आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन ये आ गया अपने पास, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन आ गया। तो अब इस फॉर्म से इसको हम किस हिसाब कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए वन अपॉन बी, अब ए वन क्या है अपने पास यहाँ ए वन यहाँ पे इसे को जो मल्टीप्लाई में होता है वन है और ये भी वन है तो वन वन बाई वन बराबर वन हो जाता है, ये वी है डी वाई अपॉन डी वी प्लस फिर यहाँ पे आता है लास्ट में ए एन अपॉन बी एन, ए एन क्या है वन और बी एन क्या है वन ए एन अपन बी एन बी एन वन है तो याद आएगा अपने पास वाई इक्वल टू फोर फोर लॉग ये सॉरी फोर कॉस
लॉग 1 + x बराबर बी है, ये आ गए अपने पास। अब हम इसको ये समघात समीकरण में आ गए, तो इसको सॉल्व करने के लिए, हम समघात को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम जो हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा है उसको सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले जो भी यहाँ पे होता था उसके अकॉर्डिंग एक्स है तो हम मान लेते जेड बराबर लॉग एक्स मानते थे, यहाँ पर वी है तो इसको हम लॉग वी मानेंगे, लॉग वी, या वी बराबर ई की पावर जेड। देन इसमें बदलने के बाद अपने पास ये जो इक्वेशन बदल जाती है वो अपने पास बदल जाती है डी डी माइनस वन प्लस डी प्लस वन वाई, मतलब ये तो हो गया डी डी माइनस वन बाई, और ये हो गया डी वाई, और ये हो गया जो वाई था ये कॉन्स्टेंट वन आ गया, और वाई हमने बाहर ले लिया। इक्वल टू वी बराबर क्या है, ई की पावर जेड, तो ये हो गया 4 cos log ई की पावर जेड। अब ई की पावर जेड है तो ये सिंपली 4 cos जेड में बदल जाएगा, जो जेड 12 आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो 4 cos जेड हो गया। इस तरह अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया अपने पास डी स्क्वायर, माइनस डी आएगा प्लस डी आएगा कट जाएगा, प्लस वन वाई इक्वल टू 4 cos z, ये आ गया अपने पास। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हमें सहायक समीकरण चाहिए, वो होता है इसके लिए एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, जो एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ बराबर आ गया अपने पास C1 cos z1 प्लस C2 sin z, क्यों आयोटा जेड प्लस माइनस आयोटा है, ये आ गया अपने पास प्लस C2 iota हो गया, आयोटा होगा, इस फॉर्म में बदल गया अपने पास। हम इसको और भी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं C1 cos z प्लस C2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद PI। ये वैसे ये अपने पास जो फॉर्म आई थी ये जेड की फॉर्म में, ये बात हमें ध्यान रखनी है जेड की फॉर्म में, और हमें आंसर देना है वो एक्स की फॉर्म में देना है, ये हमारे पास जो बात है वो ध्यान रखने वाली बात है, कई बार हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जेड की फॉर्म में और हमें आंसर एक्स की फॉर्म में देना है। तो पहले हम पी आई और निकाल लेते हैं इसी फॉर्म में, उसके बाद एक साथ चेंज कर देंगे। तो पी आई निकालने के लिए 1/FD और क्यू एक्स आता, पर यहाँ क्यू जेड, क्यू क्या है जेड है, तो क्यू जेड आ जाएगा जेड का फलन, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/D² प्लस 1 4 cos z, क्योंकि क्यू जेड क्या था 4 cos z था, ये आ गया। बट अब ये देखने वाली बात है ये माइनस उस पर 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है तो इसको सिंपली इससे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है वो याद रखने वाली बात है, 1/D² माइनस ए प्लस A² साइन AZ होने पर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x/2a cos AZ, ये होता है यहाँ पे साइन, और ये जैसे साइन है तो ये माइनस साइन है, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/D² प्लस A² cos AZ बराबर होता है x/2a sin AZ, ये होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, हम पहले पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। अब ये आ गया अपने पास 1/D² प्लस A² sin cos AZ वाला, ये फॉर्म है, तो 4 तो बाहर आ गया, 4 1/D² प्लस A² मतलब 1 D² प्लस 1 cos z, तो इसको हम एक्स एक्स नहीं यहाँ पे जेड का फलन है, तो जेड 2a 4 तो मल्टीप्लाई में ही है, 2a ए के बराबर क्या है 1, तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 लिख दिया हमने यहाँ, और ये कॉस को किस में बदलेंगे साइन में, sin z, ये आ गया अपने पास 2z sin z, ये आ गया अपने पास। अब जो जनरल सॉल्यूशन आ गया वो आ गया सी एफ क्या था अपने पास, C1 क्या है, सी एफ क्या है C1 cos z प्लस C2, ये तो ये हो गया अपने पास C1 प्लस
जेड प्लस सी टू, और पी आई क्या है वो है टू जेड साइन जेड। अब हम जेड की वैल्यू मान रख देनी है, जेड बराबर क्या माना है हमने, तुमने यहाँ जेड बराबर मान के चले हम जेड बराबर लॉग वी ये मान के चले हैं, तो जेड बराबर लॉग वी लिख देते हैं। सी वन प्लस सी वन डॉट मल्टीप्लाई में आया था, सॉरी सी वन ये मल्टीप्लाई में था, तो सी वन कॉस लॉग वी प्लस सी टू प्लस टू लॉग वी साइन लॉग वी आ गया। अब बट वी बराबर क्या था, वी बराबर क्या था अपने पास, वन प्लस एक्स ये माना था हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में, वन प्लस एक्स बराबर वी, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ गया सी वन कॉस लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी टू, ये वन प्लस टू लॉग वी नहीं है, वी की जगह हाँ लॉग वी, वी की जगह क्या था अपने पास, वन प्लस एक्स साइन लॉग वन प्लस एक्स, साइन लॉग वन प्लस एक्स है वो, ये आ गया। ये जो अपने पास जो आंसर ये है, ये अपने पास वाई बराबर जो भी सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन, ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपने पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ये होती है कोई एक अवकल समीकरण होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और उसकी फॉर्म होती है एक्स एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन डिफरेंशियल डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 चलता हुआ प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ क्यू कोई भी एक्स का फलन है, और एवं जो ए एन है ए टू ए थ्री ये कोई कांस्टेंट होंगे, ए यहाँ से हम ए वन तो ए वन ए टू डॉट डॉट जो भी आगे आएंगे वो कोई कांस्टेंट फंक्शन होंगे। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये जो यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब इनको हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखने के लिए हम सबसे पहले जो हम एक चीज़ में मानते हैं, मतलब मेथड ऑफ सॉल्यूशन में एक हम नए जो वेरिएबल है उसमें परिवर्तित करते हैं इसको। अब नए वेरिएबल के लिए हम मान लेते हैं जेड बराबर लॉग एक्स, जब वेस इसका ई होता है लॉग एक्स होता है, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए की पावर जेड ये होता है। अब हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स ये लिख सकते हैं। अब डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन से डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स आ जाता है। हाँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड, ये हमने लिख दिया यहाँ की, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया डी वाई अपॉन डी जेड, और अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये आ गया, जहाँ पे वेयर डी बराबर है डी अपॉन
डी जेड ये है। अब हम इसी तरह हम सेकंड के लिए करें, अब इसके लिए करें हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये लिख देते हैं हम डी ऑफ डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्टली। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्स को छोड़ देते हैं और इसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये आ जाता है डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड, ये आ गया। प्लस इस बार हम 1 अपॉन एक्स का करते हैं, तो वो और इसको छोड़ देते हैं हम, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने छोड़ दिया। अब 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ गया। इसको हम और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ हमने डी अपॉन डी एक्स को इसमें पार्टिसिपेट कर दिया, अब डी अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, इसे डी जेड से डी जेड कट जाएगा और ये डी डी अपॉन डी एक्स ही है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड। अब हम इसमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अपने पास बच गया, अंदर आ गया जो यहाँ डी वाई अपॉन डी जेड की अपने पास कोई वैल्यू होगी, डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू। हमने यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये आ गया अपने पास डी अपॉन डी एक्स, और ये अंदर एक्स का अंदर यहाँ पे लिखे हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो आ जाता है डी वाई आ जाता है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उससे आ जाता है ये अपने पास इसको सॉल्व करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, ये आ गया। या इसको हम और लिखना चाहें तो इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, और इसको लिखना चाहें तो डी डी -1 वाई, ये आ गया। अब इसी से हमारे पास एक जनरल फॉर्म बना सकते हैं हम, जनरल फॉर्म होगी अपने पास एक्स पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन बराबर होगी, वो होगी डी डी -1 डी -2 डॉट 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 डी -n -1, ये होगी बाई, ये इस फॉर्म में हम बदल सकते हैं उसको, वेयर डी बराबर है अपने पास डी अपॉन डी जेड, ये है। और हमने यहाँ माना क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, हमने मान के जो चले हैं वो चले हैं जेड बराबर लॉग एक्स, ये अब फ्रेंड्स हम इसे एग्जांपल ले लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल हमने ले लिया एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब -3x² डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर +6x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये ले लिया। अब फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड पढ़ा था, इससे जो पहले मेथड हमने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मान लेते हैं जेड बराबर लॉग एक्स, तो जेड जेड बराबर लॉग एक्स आ गया, तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, ये इसको हम बदल सकते हैं क्योंकि एक्स क्यूब वाला फॉर्म है ये एक्स क्यूब। अब इसको बदलने के लिए देखते हैं हम यहाँ पे बदल लेते हैं, यहाँ एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो इसको हम बदलेंगे डी डी -1 डी -2 वाई, इस फॉर्म में बदलेंगे, वेयर डी बराबर डी अपॉन डी जेड जेड बराबर लॉग एक्स और एक्स बराबर ई की पावर जेड, ये है। तो ये हो गया, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने बदल लिया, तो इसमें हम रख देते हैं इसकी वैल्यू डी डी -1 डी -2 वाई -3, फिर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स का बदल देते हैं, तो इसको डी डी -1 वाई +6d इक्वल टू डी वाई इक्वल टू हो गया ये अपने पास लॉग ई एक्स, लॉग एक्स बराबर हमने जेड माना है तो ये जेड स्क्वायर,
या इसको हम और अच्छी तरह से लिखे तो वो लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो और बाइक को बाहर ले लेते हैं एक साइड, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपने पास डी क्यू माइनस इससे, और इसका तो ये आ गया अपने पास 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3d स्क्वायर प्लस, ये आ गया इससे मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 3d माइनस 6d, और ये y इक्वल टू z स्क्वायर, और इसको हम लिखना चाहें तो इसको d स्क्वायर जोड़ दो तो ये -6d स्क्वायर, अब d वाली फॉर्म 6d, 2d 8d, और ये अपना जो d है ये वाला d माइनस माइनस अब इनको जोड़ते हैं तो रहता है 3d प्लस 3d 5d माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस साइन है यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये आ गया प्लस 11d डी वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। अभी हमारे पास वो जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे उस तरह की इक्वेशन बन गई, यानी कि अचर गुणांकों वाली, या अचर गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण में चेंज हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं। सहायक समीकरण क्या होता है, सिंपली डी को एम से रिप्लेस कर दो, जो भी राइट हैंड साइड में उसको जीरो कर दो और वाई को हटा दो, तो ये आ गया अपना m² - m³ - 6m² प्लस 11m इक्वल टू जीरो, या m कॉमन लेके m² - 6m प्लस 11m इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर हम फॉर्मूले करते हैं -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, इससे करते हैं। एक तो m बराबर जीरो तो आ ही गया, क्लियर है ये तो अपने पास। अब बाकी दो फैक्टर इससे इसके अकॉर्डिंग करने हैं, तो है -b क्या है 6, -b 6 प्लस -b² - 36 -4ac -4 गुणा ए क्या है 1, सी क्या है 11 अपॉन 2a 2, तो ये हो गया अपने पास 6 प्लस माइनस ये 44 हो जाएगा। 44 में से ये आ गया अपने पास 44 -8 अपॉन 2, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 प्लस माइनस √2 i, ये आ गया अपने पास। तो अब सी एफ निकालते हैं, सी एफ जो होता है वो होगा अपने पास C1 प्लस, क्योंकि जीरो से C1 हो जाएगा, C2 e की पावर इस सिंपली इससे आएगा पहले तो 3z, इसके बाद C1 cos जो z √2 प्लस साइन √2z, ये हो जाएगा, ये हो गया अपने पास इसके फैक्टर, ये आ गया अपने पास सी एफ। बट ये सी एफ जो निकाला है ये जेड की फॉर्म में, लेकिन हमारे पास जेड तो अपने अपने द्वारा माना गया है, तो हमें सी एफ जेड की फॉर्म में ना चाहिए, हमें चाहिए जी सी एफ एक्स की फॉर्म में। तो सिंपली जेड बराबर हम लोग एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाता है अपने पास C1 प्लस ई की पावर 3 लॉग जेड C1 कोस, ये अपने पास जेड √2, तो ये √2 तो इधर लिख दो, लॉग एक्स प्लस साइन √2 लॉग एक्स, जिसको हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जेड की पावर क्यू, तो लॉग लॉग जेड की पावर क्यू यानी कि जेड क्यू हो जाएगा, यह है C1 x, सॉरी एक्स, ये आ गए C1 x की पावर क्यू प्लस ये C2, अलग अलग है C2 C3 लेके चलो, इसको C2 C3 अलग अलग लेके चलो, C1 x की पावर क्यू कोष्ठक चालू, C2 log √2 log x
ये सॉरी कोस है, कोस प्लस सी थ्री साइन रूट टू लॉग एक्स, इस तरह हमारे पास सी एफ आ गया। अब इसके पास अब निकालते हैं इसके बाद पी आई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब निकालते हैं पी आई, तो पी आई निकालने के पास अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन एफ डी ऑफ क्यू एक्स। अब क्यू एक्स किस फॉर्म में है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एफ डी को लिख सकते हैं यहाँ से डी की डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी, तो ये आ गया डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी, ये आ गया। और ये क्यू एक्स अपने पास क्यू एक्स क्या है, यहाँ क्यू जेड होगा क्योंकि हम जेड के फॉर्म में बदल लिया हमने वेरिएबल को, तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डी कॉमन ले लेते हैं, और जो अंदर बचता है वो है अपने पास 11 माइनस 6d माइनस डी स्क्वायर। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 6d हो जाएगा, ये प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और डी का अंदर मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर टू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वन अपॉन डी, और फिर इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 6d अपॉन, इसमें 11 और कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाता है वन अपॉन 11d। अब यहाँ से देखते हैं 11 कॉमन आ गया, तो ये आ गया अपने पास अंदर जो आया है वो है वन अपॉन डी, 11d आ गया, ये आ गया वन माइनस 6d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 11 इनवर्स, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम वन माइनस 6d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 11, ये आ गया अपने पास, ये कोष्टक में है अपने पास और ये अलग से कोष्टक में है का इनवर्स। अब हम इसको खोल देते हैं सिंपली, और क्यू एक्स क्या है, क्यू जेड है जो जेड स्क्वायर, ये है अपने पास, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम इसको खोलते हैं, तो इसको खोलने के लिए सिंपली वन माइनस एक्स का इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता जाता है, तो उसी से हम खोल लेते हैं इसको, तो यह आता है वन प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर 121 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। हमें आगे की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर है, हमें यहाँ डी स्क्वायर तक वाली फॉर्म चाहिए, क्योंकि डी क्यू जहाँ जाएगा वहाँ उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस तीन बार करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस 6d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 11 प्लस, इसमें से हम सिंपली वो फॉर्म निकाल लेते हैं जिसमें से डी स्क्वायर आए अपने पास, तो वो आएगा पहली फॉर्म से आएगा, ये आएगा 36d स्क्वायर अपॉन 121 प्लस डॉट डॉट जो भी होगा अपने पास चलता जाएगा, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जेड स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ये जेड स्क्वायर हो गया प्लस, नहीं अभी अभी इसको हम और बदल लेते हैं, इसको हम बदल लेते हैं वन प्लस 6d अपॉन 11 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 36d स्क्वायर अपॉन 121 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा, ये हो गया जेड स्क्वायर। इसको हम इनको जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास वन प्लस 6d अपॉन 11 माइ, इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 121, एलसीएम लेके जो आएगा वो आएगा अपने पास 121 11 36d स्क्वायर माइनस 11d स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 25d स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा, ये आ गया अपने पास जेड स्क्वायर। अब हम इसका वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक बार तो आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर, सी 6d और जेड स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 11 जेड प्लस, इसका अगर दो बार करेंगे तो 50 अपॉन 121 आ गया।
ये आ गए अपने पास। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू रख देनी है हमको। जेड की वैल्यू क्या थी? जेड बराबर लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12/11 लॉग एक्स प्लस 50/121। ये अपने पास पी आई आ गया। अब जो इसका सॉल्यूशन हम रखते हैं, सॉल्यूशन वो रखते हैं, ये पी आई आ गया ये। अब सॉल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है, सी एफ प्लस पी आई, उन दोनों को रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सी एफ जो हमने निकाला था ये है, सी एफ जो हमने निकाला था वो था अपने पास यहाँ आया था, सी वन प्लस एक्स क्यूब कोष्टक चालू, सी टू लॉग रूट टू लॉग एक्स, सी थ्री साइन कोष्टक में रूट टू लॉग एक्स, ये था अपने पास। और पी आई अपने पास जो था ये है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12/11 लॉग एक्स प्लस 150/121। अब हम इसमें ज़्यादा से क्या कर सकते हैं, जैसे सी वन सिंपली अलग है, अकेला है सी वन, और यहाँ पे ये 50/121, इसको हम सी वन और दोनों को मर्ज करके सी वन डैश अलग से वेरिएबल दे देंगे, और बाकी का हम वही जो लिख देना है वो लिख देंगे हम, वो हो जाएगा सी वन प्लस 50/121 आएगा, उसको हम सी वन डैश अलग से दे देते हैं, प्लस लॉग या एक्स क्यूब या एक्स क्यूब सी वन कॉस रूट टू लॉग एक्स प्लस सी टू साइन रूट टू लॉग एक्स प्लस सी टू और सी थ्री हैं, प्लस दिया जाता है अपने पास जो 12/11 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। फ्रेंड्स हम इसमें एक चीज़ भूल गए हैं, वो है 1/11t, इसको हम भूल चुके हैं। हम यहाँ पे जो सॉल्व किया था सिर्फ इसको सॉल्व किया हमने, ये इसको सॉल्यूशन किया है, ये अपने पास अपने सॉल्यूशन नहीं है अभी, ये सिर्फ अब हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन है, तो हमें इसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिख देते हैं, 1/11 लॉग एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं पता हमें, लॉग एक्स लिख दो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12/11। अगर हम यहाँ पे करके चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमें पहले ही इंटीग्रेशन करके चलते हैं तो जेड क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और उस तरह से अपना आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे हमने पहले इंटीग्रेशन नहीं किया तो लॉग एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जेड की फॉर्म में आएगा ये, लॉग एक्स तो मतलब ही नहीं है अभी तक, यहाँ ये जेड की फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/11, तो बाहर रहेगा ही 1/11 क्योंकि, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो आ जाएगा अपने पास, जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा अपने पास जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस 12/22 जेड स्क्वायर प्लस 50/121। और जो भी अपने हमने जो आगे सॉल्यूशन किया उसी के अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसमें हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन जो अपना पास मेथड था वो मेथड यही है। इस मेथड को फ्रेंड्स और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपने पास एग्जांपल है अपने पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर x, ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो करते हैं, जेड बराबर लॉग एक्स मान लेते हैं, हमने जेड बराबर लॉग एक्स मान लिया, जिसको हम लिख सकते हैं, जिससे उसकी हेल्प से लिख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन शुरू में पढ़ी थी उसकी हेल्प से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो हम क्या लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ले सकते हैं इसको, ये आ जाएगा मेरे पास डी डी माइनस वन माइनस प्लस 4d प्लस 2y इक्वल टू, हमने e की पावर जेड बराबर लॉग एक्स माना है तो अपने पास e की पावर जेड बराबर क्या आ गया, e की पावर जेड बराबर आ गया अपने पास, नहीं सिंपली हमने जेड बराबर लॉग एक्स माना है, और एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास e की पावर जेड,
तो ये आ गया अपने पास e डॉट e की पावर जेड, ये आ गया अपने पास। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है वन अपॉन ये डी स्क्वायर प्लस माइनस डी आएगा प्लस 3d, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर जेड, ये आ गया अपने पास। या फिर हम इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये लिख लिया हमने। तो इससे हम cf निकालते हैं, cf आ जाएगा अपने पास। इससे जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे अपने पास cf निकालने के लिए, सबसे पहले सहायक समीकरण, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा अपने पास, इसके फैक्टर बनेंगे m प्लस 1 एंड m प्लस 2, एम्प्लाई m बराबर माइनस 1, m बराबर माइनस 2। तो ये cf आ जाएगा अपने पास c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर माइनस जेड, सॉरी जेड, ये आ गया अपने पास 2z, ये आ गया। बट जेड बराबर अपने पास क्या है, लॉग एक्स, तो वो वैल्यू रख देते हैं c1 e की पावर लॉग एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2 log x। तो ये हो जाता है अपने पास c1 ये x प्लस c2 x की पावर माइनस 2, ये आ जाता है cf। अब फ्रेंड्स हम इसका pi निकालते हैं। pi निकालने के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और उनके पास जो e पावर जेड है ये रख देते हैं, ये आ गया e डॉट e की पावर जेड, ये आ गया अपने पास। अब सबसे पहले इसके निकालने के लिए हम इसके फैक्टर फैक्टर करने पड़ेंगे, वो आ जाएगा अपने पास वन अपॉन डी प्लस 1 माइनस वन अपॉन डी प्लस 2 और e डॉट e की पावर जेड, ये आ गया अपने पास e डॉट e की पावर जेड, ये आ गया। तो ये अपने पास उस फॉर्म में आ गया वन, ये आ गया वन अपॉन डी माइनस एल्फा ई की पावर एल कुछ, ये एक्स बराबर ये आ चुका है, इस फॉर्म में आ चुका है। तो इस फॉर्म में आने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, ई की पावर एल्फा एक्स ई की पावर माइनस एल्फा एक्स ई की पावर ए एक्स डॉट डी एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। हाँ तो फ्रेंड्स अपने पास ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाता है वन अपॉन डी प्लस 1 ई डॉट ई की पावर जेड माइनस वन अपॉन डी प्लस 2 ई डॉट ई की पावर जेड, ये है अपने पास। तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं वन अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर ई जेड। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ई की पावर डी माइनस एल्फा, तो या एल्फा बराबर क्या आ गया माइनस 1, एल्फा बराबर माइनस 1, तो डी माइनस जेड इंटीग्रेशन ई की पावर जेड और ई डॉट ई की पावर जेड ऑफ डी जेड, अभी इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सिंपली ई की पावर जेड बराबर टी मान लेते हैं, ई की पावर जेड बराबर टी, जो दिखाता है ई जेड डी जेड बराबर डी टी, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया अपने पास ई की पावर माइनस जेड, ये आ गया अपने पास ई जेड डी जेड बराबर तो डी टी है और ई की पावर टी और डी टी, जो आगे सॉल्व करने पर आ जाता है ई की पावर माइनस जेड ई की पावर टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम टी की वैल्यू, तो ई की पावर माइनस जेड ई की पावर जेड, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगले को सॉल्व करते हैं, तो अगले को सॉल्व करने के लिए वन अपॉन डी प्लस 2 e की पावर e की पावर जेड, ये है अपने पास। इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एल्फा बराबर क्या है माइनस 2, तो e की पावर माइनस 2z इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2z प्लस सॉरी e की पावर जेड ऑफ डी जेड, ये हो गया अपने पास e की पावर जेड प्लस का e की पावर जेड 2z और e डॉट e की पावर जेड। तो हमने e की पावर जेड बराबर टी मान लो, तो यहाँ पे भी e की पावर जेड और डी जेड बराबर डी टी आ गया, बट यहाँ पे जो दे रखा है e की पावर 2z है, तो ये e की पावर जेड डॉट e की पावर जेड लिख सकते हैं। तो एक जगह तो हम e की पावर जेड डी जेड में चला जाएगा और एक जगह तो e की पावर जेड बचेगा वो टी आ जाएगा, इस तरह से अपने पास आ गया बदल के।
ये अपने पास इक्वेशन वो आ चुकी है अपने पास है, e की पावर माइनस टू जेड, तो इसको तो बाहर होगा, इससे मतलब ही नहीं हमें इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं उससे मतलब है टी डॉट ई की पावर टी ऑफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली जो तरीका होता है वो होता है टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर जेड बाहर ही है माइनस टू जेड, ये बाहर है मतलब ये ई की पावर माइनस टू जेड टी डॉट ई की पावर टी ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ई की पावर माइनस टू जेड को तो बाहर ही रखो, इसका इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट डॉट सेकेंड वाला फॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट को छोड़ दो, हमने टी को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ई की पावर टी ऑफ डी टी और टोटल इसका डिफरेंस, इस तरह ये फॉर्मूला होता है। तो इससे ई की पावर माइनस टू जेड ये पर भी आ गया टी ई की पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन किया तो वो बना गया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया ई की पावर टी, फिर इसका इंटीग्रेशन किया ई की पावर टी आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस टू जेड टी माइनस वन ई की पावर टी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं जो आ जाती है ई की पावर माइनस टू जेड डॉट ई की पावर जेड माइनस वन ई डॉट ई की पावर जेड, ये आ गया अपने पास। बट हमने ये हमारे पास जेड की फॉर्म में है, तो इससे हम पहले सबसे पहले जो सी एफ लिखेंगे वो लिख देंगे हमने, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे इसका, ये सी एफ लिखेंगे पहले सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स पर माइनस टू, तो आ गया सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स की पावर माइनस टू, ये आ गया। प्लस अब पी आई जो लिखेंगे, पहले तो इसका सॉल्यूशन लिखना है हमें, इसका सॉल्यूशन इसमें जो हमने ये सॉल्यूशन आया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट ई की पावर माइनस जेड डॉट ई की पावर माइनस जेड डॉट ई की पावर जेड, ये था। और जो सेकंड सॉल्यूशन आया था वो आया था अपने पास प्लस, ये माइनस आने तो माइनस के साथ आएगा, ये माइनस ई की पावर माइनस टू जेड ई की पावर जेड माइनस वन ई डॉट ई की पावर जेड। बट अपने पास ई की पावर जेड बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि जेड बराबर अपने पास है लॉग एक्स, तो ई की पावर जेड बराबर अपने पास है एक्स, ये आ गया। तो इससे हम ई की पावर जेड बराबर एक्स रख देते हैं, तो आ जाता है सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स पर माइनस टू प्लस ई की पावर जेड, इसको वन अपॉन ई की पावर माइनस जेड, तो इसको वन अपॉन ई की पावर जेड रख सकते हैं, तो आ जाएगा अपने पास एक्स पावर माइनस वन ई की पावर एक्स माइनस, ये आ गया ई की पावर एक्स पावर माइनस टू, ये आ गया अपने पास ई की पावर जेड बराबर एक्स माइनस वन और ई की पावर एक्स, ही आ गया अपने पास। अब हम इसको ऑल सॉल्व करते हैं, तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स पावर माइनस टू प्लस एक्स इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स हो गया, एक्स इनवर्स ई की पावर एक्स और इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स पावर माइनस टू ई की पावर एक्स, ये आ गया। अब फ्रेंड्स इससे हमारे पास ये कट रहा है, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो है सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स पावर माइनस टू प्लस एक्स पावर माइनस टू ई की पावर एक्स, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हम पढ़ चुके हैं अब तक अचर गुणांक को बारे लेके, अवकल समीकरण में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। ये हम आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए और आप क्या टॉपिक चाहते हो ये बताइए, मैं उस टॉपिक को उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। हम अब तक यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं कि अब अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण का रूप होता है, ये होता है डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन बाई इक्वल टू क्यू एक्स, जिसको हम लिख देते हैं एफ डी बाई इक्वल टू क्यू एक्स और वाई बराबर आ जाता है वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स। अब हम क्यू एक्स की अलग अलग फॉर्म पे चर्चा कर रहे थे, अगर क्यू एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स हो तो उस कंडीशन में हम करते हैं एफ इक्वल,
ई की पावर ए एक्स और एफ ए इक्वल नॉट जीरो हो, तो हम सिंपली उसको वन अपॉन एफ टी ई की पावर ए एक्स बराबर निकाल देते, वन अपॉन एफ ए की पावर ए एक्स। इफ क्यू एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स एंड एफ ए इक्वल टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में वन अपॉन एफ डी में से हम एक ऐसा फैक्टर जरूर बनेगा उसमें से जहाँ डी माइनस ए कॉमन आएगा, उस पावर आर, उस आर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो कॉमन आ जाएगा, और एक फाइव ए ऐसा फैक्टर बनेगा जिसमें जो जीरो नहीं होगा, वहाँ पे हम जीरो सिंपली ए अप्लाई कर देंगे, और जो डी माइनस ए की पावर आर, इसको इसका इसको सोल्व करने के लिए हम ये आर को सोल्व करने एक्स पावर आर माइनस बटे आर फैक्टोरियल ए की पावर ए एक्स ये आ जाएगा। साथ ही हमने सेकेंड फॉर्म जो पढ़ी थी वो थी अगर क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स और कोस ए एक्स हो और एफ ए एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल नॉट जीरो, तो एफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, और वन अपॉन एफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स। और अगर किसी कंडीशन में मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो उसका होता है वन अपॉन डी, उसमें एक फैक्टर इस तरह बन जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, जिसका जिसको सॉल्व करने पर आ जाता है एक्स अपॉन टू ए कोस ए एक्स, और ये आ जाता है वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स बराबर माइनस एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स। हम इन सभी के प्रूफ भी पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले चुके हैं अब हम, और साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये हमने हम लेटेस्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था अपने पास, अगर फंक्शन इस तरह हो वन अपॉन एफ डी एक्स पावर एम हो, या एफ डी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे डी माइनस एल्फा की पावर कुछ भी हो सकती है, डी माइनस एल्फा की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जो भी, जैसे अगर डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू डी माइनस एल्फा क्यू जिस तरह से होगा, तो उसके हम पार्शियल फैक्टर द्वारा अलग अलग भिन्न में चेंज कर लेंगे, और उसमें हर एक के लिए इस तरह से डी माइनस एल्फा वाला केस बनाएंगे, और डी माइनस एल्फा के इस केस के लिए इसमें से हम एल्फा कॉमन लेके वन माइनस डी का डी अपॉन एल्फा का इन्वर्स आ जाएगा, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वन प्लस डी अपॉन एल्फा डी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी चलता जाएगा एक्स पावर एन, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देख चुके हैं, और आज हम जो देखेंगे वो है, हाँ तो फ्रेंड्स आज हमको देखना है अगर वन अपॉन एफ डी और ए एक्स ऑफ बी की फॉर्म में हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के लिए हम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, इसके फॉर्मूला सिंपली हम जानते हैं, हम डी ई की पावर ए एक्स बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए की पावर ए एक्स डी बी प्लस, मतलब एक बार इसको इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसका हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा वी वी को छोड़कर डी और ये ई की पावर ए एक्स डॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया डी भी कॉमन ले लिया वी भी कॉमन ले लिया डी कॉमन ले लिया हमने, इस डी ई की पावर एक्स तो हो गया अपने पास ई की पावर एक्स तो डी तो कट गया, तो हमने यहाँ ई की पावर एक्स और बी कॉमन ले लिया तो डी प्लस ए बी बच गया, इसी तरह डी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स वी ये करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ई की पावर ए एक्स डी प्लस ए का होल स्क्वायर वी, चलते चलते आ जाएगा डी एन ई की पावर ए एक्स वी इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर ए एक्स डी प्लस ए की पावर एन वी, ये आ गया अपने पास, ये आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है अब ये आ चुका है तो हम इसके दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इसको एफ इसको हम लिख सकते हैं व्यापक रूप से, इसका वो होगा वन अपॉन एफ डी ई की पावर एल्फा एक्स वी इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स एफ डी प्लस एल्फा वी, ये एन और वी है यहाँ पे, ये होगा इसकी जो व्यापक फॉर्म होगी वो ये होगी।
अब इस फॉर्म में चेंज होने के बाद ये आ गया। अब इससे हम वन अपॉन एफ डी ई की पावर एल्फा एक्स वी, जो क्या आ जाता है ई की पावर ए एक्स वन अपॉन डी प्लस ए वी, ये आ गया अपने पास। ओके फ्रेंड्स, इसको हम नीचे ले गए ई की पावर एल्फा एक्स बी को इधर ही रखा है, और वन अपॉन एफ डी इसको यहाँ पे हम ले गए वन अपॉन एफ डी, तो इसको हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले गए। ये क्या है, हमने मतलब इसको तो हम यहाँ पे ले आए जो ये था, इस तरह से हम चेंज करके इसको किया है। तो इस तरह से हम जहाँ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला, ये अपने पास फॉर्मूला है, अब इससे हम रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ये एग्जांपल ले लिया, हमने एग्जांपल इस तरह से लिया है कि हमने जो भी हमने प्रीवियस में जो भी पढ़े हैं उनका हम रिवाइज कर सकें। इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया, हमें सिर्फ प्रीवियस में पढ़े हैं वो भी, और जो अब पढ़ रहे हैं उसका भी जो एग्जाम्पल जो काम आ सके ऐसा लिया है हमने। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकालते हैं, सहायक समीकरण जो डी की जगह सिंपली एम फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद हम इसको और बदलना चाहें तो एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम स्क्वायर प्लस वन प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर आ गया अपने पास माइनस वन प्लस माइनस, ये आ जाएगा वन माइनस फोर तो माइनस थ्री, रूट में होगा थ्री आयोटा अपॉन टू, ये आ गया। और इधर से इससे जो आए वो आएगा अपने पास वन प्लस का वन आएगा, इससे प्लस का वन आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस का बनाएगा, इससे जो आएगा अपने पास वो प्लस का बनाएगा, क्योंकि माइनस बी ये है तो प्लस का बनाएगा, ये आएगा इससे माइनस वन आएगा, माइनस वन प्लस माइनस यही वही थ्री आयोटा अपॉन टू। इस तरह ये अपने पास दो कंडीशंस आ गई, मतलब एम की हमारे पास चार वैल्यू हो चुकी हैं। तो हम इससे सी एफ क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिखते हैं सी वन ई की पावर माइनस एक्स बाई टू सी वन कोस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी वन को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ई की पावर एक्स बाई टू सी थ्री कोस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी फोर साइन रूट थ्री बाई टू एक्स, ये इसका सी एफ आ गया। अब हम निकालते हैं पी आई, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो वो होता है वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स। तो एफ डी क्या है अपने पास, वन अपॉन यहाँ इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, तो वो आ गया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन, ये आ गया इस फॉर्म में। और यहाँ पे जो क्यू एक्स था वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स, तो ये लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं वन अपॉन डी की पावर फोर प्लस डी स्क्वायर प्लस वन ए एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको हम प्लस में अब ये अगला पार्ट लिखते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन प्लस डी डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन बी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, हमने इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, पहले हम ये पार्ट सोल्व करेंगे उसके बाद हम ये पार्ट सोल्व करेंगे। अब दोनों पार्ट हम सोल्व करते हैं,
तो पहला पार्ट क्या है अपने पास वो देख लेते हैं। पहला पार्ट है वन अपॉन डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस वन ये एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम वन प्लस डी स्क्वायर, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 का माइनस वन। अब हम ये एक्स स्क्वायर है, अब हम इसको हम खोल देते हैं। इसको हम खोलने पर ये वन प्लस बी, वन प्लस एक्स की पावर इन्वर्स वाला फॉर्मूला खुलेगा, जो कि वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाले फॉर्म से चलता जाता है। सॉरी, वन माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म से चलता जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस या डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4, ये माइनस साइन के साथ आएगा माइनस। आगे भी टर्म आएंगे लेकिन यहाँ पे हम हमें पता है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा भी बार वो मतलब 3 बार या 4 बार, 3 4 जितनी भी टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो उन्होंने कोई लिखने से मतलब नहीं, ए एक्स स्क्वायर ये कर दिया। तो ये आ गया अपने पास वन, तो ये इसका तो ए एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो ये आ जाएगा माइनस 2 ए। ये आ गया, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। ये इसका हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन प्लस डी, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन बी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं ई की पावर माइनस एक्स, मतलब पहले हम e की पावर मतलब माइनस वन पर देखते हैं कोई 0 तो नहीं हो रहा है। माइनस वन पे जैसे यहाँ पे माइनस वन रखें तो ये क्या हो जाता है, माइनस वन ये प्लस वन हो जाता है, प्लस वन ये माइनस वन, यहाँ वन बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा अपने पास माइनस वन प्लस वन, तो ये 0 नहीं होगा इस पर, इस तरह। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से, जो अपने पास फॉर्मूला लिखाया था मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था वन अपॉन एफ डी ई की पावर एल्फा बी बराबर, अगर 0 नहीं हो तो ई की पावर ए बी बार आ जाएगा, डी अपॉन एल्फा बी इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम यही करते हैं यहाँ पे, तो ये ई की पावर माइनस एक्स, तो ये डी माइन डी की डी डी स्क्वायर जहाँ डी ए वन डी माइनस वन लिख देंगे हम, ये करेंगे। तो इसको हम करने के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस डी माइनस वन, इस तरह ये चेंज हो गया। इसी तरह ये बी ई की पावर माइनस एक 12 आया है, और यहाँ पे क्या है डी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस डी प्लस वन हो जाएगा ये, क्योंकि ये डी माइनस वन होगा अंदर प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन ये हो जाएगा, और ये हो गए साइन एक्स। तो ये आ गए अपने पास बी ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गए अपने पास, इसको इसको हम ये कट गया, और इसको क्या तो हमने आ गया डी स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस डी माइनस प्लस वन, ये मल्टीप्लाई में आ गया इसके, मल्टीप्लाई में था वो आ गया अपने पास। डी स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस वन माइनस डी प्लस वन, और ये आ गया प्लस वन, ये आ गया इस फॉर्म में खुल गया ये। तो इस फॉर्म में खुलने के बाद हम इसको लिख सकते हैं आराम से डी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, ये मेरे पास डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ये अगर डी स्क्वायर माइनस 3 डी, और ये आ गया अपने पास वन प्लस वन 2 प्लस वन 3 प्लस 3 साइन
टू एक्स, ये टू एक्स था शुरू से, साइन टू एक्स था अपने पास, मैंने यहाँ गलती की थी, साइन टू एक्स है तो ये टू एक्स ही चलेगा, टू एक्स यहाँ पे टू एक्स होगा और यहाँ पे भी ये टू एक्स ही होगा साइन टू एक्स। अब यहाँ पे हम सिंपली डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस फोर, माइनस फोर रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है अपने पास डी ई की पावर माइनस एक्स वन अपॉन माइनस फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी माइनस थ्री, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस, ये माइनस फोर हो जाएगा तो माइनस थ्री डी, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस वन, ये हो जाएगा। इसके बाद हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस और साइन टू एक्स, ये हो गया अपने पास बी ई की पावर माइनस एक्स वन अपोन, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये डी थ्री डी प्लस वन बच गया, बन गया जिसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये कर लिया मल्टीप्लाई डी माइनस थ्री एंड थ्री डी प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया अपने पास थ्री डी स्क्वायर माइनस नाइन डी प्लस माइनस नाइन डी और ये प्लस डी माइनस थ्री, ये आ गया अपने पास। यहाँ फ्रेंड्स हमसे गलती हो रही है कहीं पे, और वो गलती क्या है वो चेक करने के लिए हम देखते हैं देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमने इसमें जो गलती की थी वो थी अपने पास डी माइनस वन का जो होल स्क्वायर खोला था वो हमने डी स्क्वायर माइनस टू डी लेना चाहिए था, माइनस टू डी के बाद जो एक डी ज़्यादा तो माइनस का डी बचता, ये गलती हुई थी, ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, बस ये गलती थी। अपने पास माइनस माइनस दोनों को मन प्लस आ जाएगा, तो ये अपने पास डी प्लस थ्री का गुणा होगा थ्री डी प्लस वन से, तो थ्री डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस डी प्लस थ्री, ये आ गया अपने पास। यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री डी स्क्वायर प्लस टेन डी प्लस थ्री साइन टू एक्स, ये आ गया अपने पास। तो अब साइन टू एक्स को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं थ्री इस पे, तो ये आ जाएगा अपने पास, जो अपने पास बदल के आएगा वो आ जाएगा बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस फोर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री हो जाएगा माइनस नाइन, तो वन अपॉन टेन डी माइनस नाइन साइन टू एक्स, ये आ गया अपने पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम टेन डी का, टेन डी प्लस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी ई की पावर माइनस एक्स वन अपॉन टेन डी, टेन डी माइनस प्लस वन का जो मल्टीप्लाई किया तो वो सौ डी स्क्वायर माइनस एट्टी वन हो गया, और ये टेन डी प्लस वन, टेन डी प्लस नाइन साइन टू एक्स हो गया। अब यहाँ इस पर ये अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद जो अपना सॉल्यूशन आता है वो आता है अपने पास, ये अप्लाई और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो अपने पास सॉल्यूशन आता है वो देखते हैं, वो सॉल्यूशन क्या आएगा। उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम ये अपने पास टेन डी स्क्वायर माइनस नाइन एट्टी वन, ये इसको अप्लाई किया तो ये फोर एट्टी वन आ जाएगा, बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन फोर एट्टी वन, फोर एट्टी वन ये हो गया, और ये टेन डी तो साइन टू एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये कॉस टू एक्स होगा, टू कॉस टू एक्स, तो टेन डी है तो ट्वेंटी हो जाएगा, ट्वेंटी कॉस टू एक्स प्लस नाइन साइन टू एक्स, ये हो गया अपने पास। अब ये होने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में लिखा जाता है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ जो हमने सबसे पहले निकाला था वो लिख देंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम सी एफ लिख देंगे, जो पी आई जो अब निकाला है ये दोनों इसको निकाल के, इसको ये निकाला है पी आई हमने, पी आई बराबर ये, इन दोनों को हम एक साथ लिख के जो भी आता है अपने पास वो सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, अब जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है अपने पास, अगर वन अपॉन एफ डी एक्स डॉट बी की फॉर्म में हो,
ये फॉर्म में हो, और हम वेयर वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये हो तो हम पहले हम सिंपली जानते हैं डी एक्स भी बराबर क्या होता है, एक्स डी वी प्लस वी और डी स्क्वायर एक्स वी, इसे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वी प्लस टू डी वी। इसी तरह ये हम करते जाते हैं डी एन एक्स बी बराबर ये क्या होगा, ये होगा अपने पास एक्स डी एन वी प्लस एन डी एन माइनस वन वी इक्वल टू, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स डी एन वी प्लस डी अपॉन डी डी ऑफ डी एन वी, ये लिख सकते हैं हम उसको। जो अपना जो जनरल फॉर्म होगी वो हो जाएगी अपने पास इससे एफ डी एक्स बी बराबर आ जाते हैं जनरल फॉर्म एक्स एफ डी वी प्लस डी अपॉन डी डी एफ डी कोष्टक में बंद डॉट बी, ये अपने पास जो जनरल फॉर्म आ जाती है एफ डी एक्स बी बराबर एक्स डॉट एफ डी वी कोष्टक बंद डी अपॉन डी एक्स एफ डी कोष्टक बंद वी, यह आ जाता है। अब इससे हमें निकालना क्या होता है वो निकालते हैं हम, हमें निकालना होता है वन अपॉन एफ डी ऑफ डी डी वेयर वेयर जहाँ जो होता है वो होता है माइनस एफ डैश डी वन अपॉन नहीं फ्रेंड्स, अब ये आ गया अपने पास। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं वन अपॉन एफ डी, क्यों इसको हम इधर ले जाएं और एक्स और बी को रखें खाली अपने पास, यही तो निकालना होता है हमें, यही एवेल्यूएट करना होता है। तो इसको हम निकालने के लिए जो आ जाता है वो आ जाता है वन एक्स वन अपॉन एफ डी वी प्लस डी अपॉन डी डी वन अपॉन एफ डी वी, ये आ जाता है। अब इसी तरह हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, अगर कहीं पे हमारे पास ये दे रखा हो कि वन अपॉन एफ डी एक्स स्क्वायर वी दे रखा हो, तो सिंपली इस तरह प्रोसेस अपनाने के लिए अपना के यहाँ एक्स स्क्वायर बी लेके चलेंगे हम यहाँ पे सभी जगह, तो जो अपना जो वो आएगा वो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वन अपॉन एफ डी वी प्लस टू एक्स डी अपॉन डी डी वन अपॉन एफ डी वी प्लस डी स्क्वायर डी डी स्क्वायर वन अपॉन एफ डी ऑफ वी, इस तरह ये आ जाएगा। इसी तरह हम एक्स क्यूब वी के निकाल के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी होती है, ब्रज यूनिवर्सिटी होती है, कोटा यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, सिंपल यूनिवर्सिटी में डी स्क्वायर तक ही पूछा जाता है, यहाँ तक कि डी स्क्वायर भी नहीं पूछा जाता, एक्स स्क्वायर तक ही पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर यहाँ तक कि एक्स स्क्वायर नहीं एक्स वी का पूछा जाता है। हम यहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, इसको सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस बी, ये अपने पास फॉर्म ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वही सहायक समीकरण निकालते हैं, सहायक समीकरण के लिए एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर आ जाता है जीरो एंड माइनस वन, तो सी एफ अपना आ जाता है सी वन प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अब हम पी एफ पी आई निकालते हैं, पी आई निकालने के लिए हम वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स करते हैं, तो वन अपॉन एफ डी क्या है अपने पास डी स्क्वायर प्लस डी और ये क्या है एक्स कॉस एक्स, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन डी डी प्लस वन एक्स कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं इसको हम। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एक्स डॉट बी वाला फार्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, जो वो फार्मूला क्या होता है ये होता है अपने पास
अगर वन अपॉन टी एक्स भी हो तो एक्स आ गया था, वन अपॉन एफ डी बी छोटा क्वेश्चन चालू, वन अपॉन एफ डी डी, वन अपॉन एफ डी वी ये होता है। तो उस ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो अपने पास आ जाता है वो होता है एक्स आ गया बाहर, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, वन अपॉन जो एफ डी होता है डी डी प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन करके और ये कॉस एक्स ये आ जाता है अपने पास। तो अब हम यहाँ पे हम सिंपली ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस ए स्क्वायर बराबर वन, माइ ए स्क्वायर बराबर ए बराबर वन है, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर जगह अप्लाई कर देते हैं एक्स, या इधर डी माइनस वन डी स्क्वायर जगह माइनस वन रख दिया, तो डी माइनस वन चेंज कर दिया उसको हमने, ये आ गया कॉस एक्स प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले हमने इसके फैक्टर बना लिए, वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन डी प्लस वन, ये फैक्टर बन के आ गए इसके कॉस एक्स, ये आ गया अपने पास। अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए डी प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स डी प्लस वन डी स्क्वायर माइनस वन हो गया, कॉस एक्स प्लस माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी स्क्वायर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू अपॉन बी के नियम से, तो यहाँ पे यू जी यू तो कॉन्स्टेंट है, बी सीधे माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन आ जाएगा इसका कॉस एक्स, ये आ गया अपने पास। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस वन रख देते हैं, तो एक्स बटे माइनस टू डी प्लस वन कॉस एक्स ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको हम अंदर ले जाते हैं, तो माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन डॉट, और ये हो गया कॉस एक्स। अब यहाँ पे तो इसका हम सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स बाई टू डी इसका हो गया, कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये हो गया, वन से कॉस एक्स हो गया माइनस, इसका यार सिंपली दो बार इंटीग्रेशन करते हैं, दो बार इंटीग्रेशन करने पर एक बार तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा जो कि इस माइनस प्लस में बदल देगा कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे हम साइन ये बराबर क्या है वन, तो माइनस ए स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वन इसके जगह माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन से माइनस वन चला जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू डी कॉस एक्स, जो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आ गया प्लस कॉस एक्स प्लस, ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू, वन अपॉन टू और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, ये हो गया, ये अपने पास पी आई आ गया। अब जो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, वो सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन बाई बराबर लिखते हैं सी एफ प्लस पी आई, जो सी एफ था अपने पास सी वन प्लस सी टू ई पावर माइनस एक्स, तो यह आगे सी वन प्लस सी टू ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन बाई टू साइन एक्स, ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन इसका। ये क्वेश्चन जो था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में 2014 में पूछा गया है। हेलो फ्रेंड्स, हम अब तक तो देख चुके हैं कि अचर गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरण का जो फॉर्म होता है वो होता है डी एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन इक्वल टू वाई डॉट वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जिसको हम यहाँ पे इसको एफ डी लिख देते हैं वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये वाई है, वाई इक्वल टू हम यहाँ से वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स निकाल लेते हैं। हम ये भी देख चुके हैं अगर क्यू एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स हो तो अपने पास दो फॉर्मूले बन के आते हैं, अगर एफ ए इक्वल नॉट जीरो हो तो हम उसको वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स निकालने के लिए वन अपॉन एफ ए की पावर ए एक्स लिख देते हैं, सिंपली डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं।
अगर क्यू एक्स बराबर ई की पावर एक्स है और एफ इक्वल टू जीरो है, जो नीचे एफ टी बराबर ये पर जीरो बैठ हो रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम फाई ए सिंपली ये फाई ए ऐसा होगा जहाँ नॉन जीरो होगा, और डी माइनस ए यानी कि ये पर ही जीरो होगा, डी माइनस ए ऐसा फैक्टर बना लेते हैं की पावर आर ई की पावर ए एक्स, तो उसको हम वन अपॉन फाई ए, यहाँ फाई डी को तो फाई ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई ए। अब दूसरा हमने देखा था, वो देखा था एफ क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, वो तो ऐसे कंडीशन में हम एफ माइनस ए स्क्वायर बराबर देखते हैं, अगर वो जीरो नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला है, जीरो है तो कौन सा देखते हैं, अगर एफ माइनस ए इक्वल नॉट जीरो है तो एफ वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स, और अपना ये होता है वन अपॉन एफ टी स्क्वायर कॉस ए एक्स बराबर होता है वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, और अगर ए माइनस ए स्क्वायर टू जीरो हो तो बन ये उसमें ये फैक्टर बनेगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी जो भी होंगे उसमें तो हम अप्लाई कर देंगे सीधे, ये फैक्टर बनेगा, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स, और वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कॉस ए एक्स बराबर होता है माइनस एक्स अपॉन टू ए साइन ए एक्स। ये अपने फॉर्मूले हैं जो कि जरूरी हैं याद रखने के लिए, और हम पहले पहले की वीडियोज में इनको हम शो कर चुके हैं कि कैसे आते हैं वीडियो, और अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे आज हम देखेंगे कि अगर वन अपॉन एफ डी एक्स पावर एम मतलब क्यू एक्स बराबर, आज देखेंगे हम क्यू एक्स बराबर एक्स पावर एम के फॉर्म में हो, वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ एम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अब ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एफ डी बराबर डी माइनस एल्फा, डी माइनस एल्फा को कुछ ना कुछ उसका पार्टीशन बना लेंगे हम, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वाई बराबर जो होगा वो अब एफ पॉइंट डी माइनस एल्फा एक्स पावर एम होगा, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस एल्फा कॉमन ले लिया तो ये आ गया बन इधर बन माइनस डी अपॉन एल्फा, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एल्फा, इसको हम प्रसार कर देते हैं मतलब वन माइनस डी अपॉन एल्फा के इनवर्स इसका प्रसार कर देते हैं, तो वह आता है वन माइनस वन अपॉन टू वन प्लस डी अपॉन एल्फा प्लस डी स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 डी एम प्लस एल्फा एम प्लस चलता जाएगा, ये प्रसार उससे हुआ है अपना वन माइनस एक्स का इनवर्स वो होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इससे हमने इस प्रसार को खोला है, ये हो गया प्रसार, उसके बाद ये वन माइनस टू वन माइनस एल्फा तो ये है ही वन माइनस एल्फा, और यहाँ पे ये एक्स पावर एम है, तो ये एक्स पावर एम को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर एम प्लस एम एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन टू प्लस ये इसका दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो एम एम माइनस वन एक्स पावर एम माइनस टू अपॉन थ्री अपॉन एल्फा, एल्फा क्या था अपने पास एल्फा है, एल्फा ये एल्फा चल रहा है तो एल्फा यही रहेगा एल्फा स्क्वायर इस तरह प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा लास्ट में जो एम फैक्टोरियल वाला इसका करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास एम फैक्टोरियल अपॉन एल्फा एम, और इससे बाकी के जो भी टर्म रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक्स पावर एम से ज़्यादा बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्लियरली। अब इसके जो हम जनरल फॉर्म होती है वो होती है जनरल फॉर्म में हम एफ डी को हम इस तरह लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म में आने के लिए एफ डी को हम लिख देते हैं डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू डी माइनस एल्फा एन, तो हम बाई बराबर लिखते हैं वन अपॉन डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू डी माइनस एल्फा एन एक्स पावर एन। अब फिर यहाँ से हम इसको पार्शियल फैक्टर बनाते हैं, पार्शियल फैक्टर जैसे मान लेते हैं हम पार्शियल फैक्टर बन के आए डी माइनस ए अपॉन डी माइनस एल्फा वन
प्लस बी ए टू अपॉन डी माइनस एल्फा टू प्लस ए थ्री डी माइनस एल्फा थ्री, इस तरह के पार्शियल फैक्टर बन जाते हैं। तो फिर इसका आगे हम ये मल्टीप्लाई करने के लिए ए वन वन अपॉन डी माइनस एल्फा एक्स पावर एम प्लस ए टू वन अपॉन डी माइनस एल्फा टू एक्स पावर एम प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। ये इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और इसके बाद हमें यही फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है और उसके बाद सॉल्यूशन आ जाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने ये एग्जांपल लिया है, हमने ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो पीछे जो दो कंडीशन पढ़ी थी ई की पावर एल्फा एक्स एवं जो साइन ए एक्स बराबर जो दो कंडीशन पढ़ी थी उनको भी हम इसमें सॉल्व कर सकें। और जो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से भी मिल सकता है, उनको समझने का तरीका ये भी यहाँ से भी समझ सकते हो आप, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसके लिए हम पहले सीएफ निकालते हैं। सीएफ सबसे पहले हमारे यही कि कंडीशन होता है कि सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकालने के लिए हमें सहायक समीकरण होता है, सहायक समीकरण होता है जहाँ डी, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी फोर प्लस टू डी क्यू प्लस माइनस थ्री डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ई की पावर टू एक्स प्लस फोर साइन एक्स। अब हमें सहायक समीकरण निकालना होता है। अब सहायक समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये अपने डी की जगह हम एम लिख लेते हैं, तो डी की जगह हमने एम लिख लिया है, एम फोर प्लस टू एम क्यू प्लस माइनस थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू जो भी आर एच एस में होता है उसको जीरो लिख देते हैं। अब हम एम की वैल्यू निकालनी होती है, तो एम की वैल्यू के लिए एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से अंदर क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये आ गया। तो एम बराबर क्या हो गया, एम स्क्वायर एम माइनस वन एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इससे आपके पास एम बराबर आ गया जीरो जीरो वन एंड माइनस थ्री। अब इसका हम सी एफ कैसे लिख सकते हैं, ये दो बार है सी एफ लिख सकते हैं उसका, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर जीरो एक्स जो कि वन हो जाएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है, प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ये इसका सी एफ आ गया। अब निकालते हैं पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकालते हैं। पी आई निकालने के लिए हम वन अपॉन एफ डी और क्यू एक्स निकलते हैं, तो वन अपॉन एफ डी डी की जगह आ जाता है अपने पास डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस थ्री, यह आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ई की पावर टू एक्स प्लस फोर साइन एक्स, ये आ गया। अब इसको हम सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं इनको, वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस थ्री थ्री ई की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम, इसको हमें क्योंकि अंदर साइन एक्स में डी स्क्वायर वाले फंक्शन चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री और फोर साइन एक्स। अब हम इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इक्वेशन वन नंबर वन हमने दे दिया, और अब हम एक एक को अलग अलग सॉल्व करते हैं। नाउ पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पार्शियल फैक्टर बनाते हैं। इन दोनों के पार्शियल फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है वन माइनस
वन प्लस टू डी डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री ये आ जाता है इसके पास अंदर, मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब इसमें से माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस थ्री कॉमन ले लिया, वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर, माइनस थ्री डी स्क्वायर आ गया, ये अंदर बच गया, वन प्लस वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन थ्री ये बच गया। इसको हम और लिख सकते हैं, वन अपॉन माइनस थ्री डी स्क्वायर और ये आ गया वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन थ्री इसका होल माइनस वन होल इनवर्स आ गया। अब इसके इन्वर्स को हम वो फॉर्मूले खोल देते हैं, वन अपॉन एक्स के बराबर इन्वर्स क्या होता है जो हमने पहले लिखाया था, वन माइनस एक्स का इन्वर्स बराबर क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये होता है, इससे हम इसको खोल देते हैं। तो ये इसको खोलने पे आ गया माइनस थ्री डी स्क्वायर, तो बाहर है ही, इसको खोला हमने वन प्लस एक्स, एक्स ये है अपना डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन थ्री प्लस ये डी स्क्वायर प्लस टू डी अपॉन थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अपना एक्स स्क्वायर चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हमने इसलिए ज़्यादा सॉल्व आगे नहीं खोला क्योंकि एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर टू है, तो हाईएस्ट पावर टू है और आगे तो क्यू आएगा उसमें हाई क्यू आ जाएगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे, तो हमने यहीं तो खोला है इसको, माइनस थ्री डी स्क्वायर वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री डी, डी की पावर फोर से मतलब कोई है नहीं, हमें लिखना ही नहीं है, डी क्यूब वाला भी नहीं लिखते हम क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, तो हम सिर्फ ये लिख लेते हैं इसे टर्म, यहाँ पे ये क्या टर्म आती है वो लिख लेते हैं, ये आएगा फोर डी स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस चलता रहेगा कुछ भी एक्स स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, अब हम इसे डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं अंदर ले जाके, तो ये हो जाता है माइनस वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर रहा, या दो बार अवकलन हुआ तो ये सिंपली आ गया टू और थ्री नीचे है ही, प्लस डी अपॉन टू अपॉन थ्री डी इसका हो जाएगा इसका फोर एक्स अपॉन थ्री, इस बार दो दो बार हुआ तो ये हो गया एट अपॉन नाइन, बाकी टर्म जो होंगे वो जीरो हो जाएंगी। तो हम इसको और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन थ्री, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 12/9 ये आ गया। अब माइनस डी स्क्वायर का मतलब है हम दोबारा इसका इंटीग्रेशन और करना होगा, तो अब इसका दो बार इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो इंटीग्रेशन करने पे इसका ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री, क्योंकि डी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस डी 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 इनवर्स डी पावर माइनस टू होगा, जिसका मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है, इसका दो बार इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा, एक बार तो आएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, फिर उसका करेंगे तो एक्स पावर फोर अपॉन फोर, तो थ्री डॉट फोर बराबर एक्स फोर इंटू ट्वेल्व आ गया, प्लस इसका क्या फोर एक्स अपॉन थ्री का तो फोर एक्स अपॉन थ्री, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन करने पर एक बार तो आएगा फोर अपॉन थ्री को बाहर ले लो, एक्स का करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो फिर टू को बाहर ले लो, टू इंटू थ्री सिक्स हो गया, मतलब फोर अपॉन सिक्स बाहर आ चुका है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स क्यू अपॉन थ्री तो आ गया फोर, मतलब सिक्स तो पहले बाहर आ चुका है और थ्री और आएगा तो यह आ जाएगा एक्स क्यू फोर अपॉन, पहले सिक्स था सिक्स इंटू थ्री ये आ गया, प्लस इसका करेंगे तो ये आएगा ट्वेल्व अपॉन नाइन डॉट, एक बार तो एक्स आएगा दूसरी बार आएगा एक्स स्क्वायर, तो मतलब टू डॉट एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस एक बार इंटीग्रेशन करने पर कोई सी वन आएगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सी वन और सी टू एक्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जो जो हमने पहले टर्म था इसमें जुड़ जाएंगे, इसमें जुड़ सकते हैं उनको, ये अपने पास सी वन और सी टू एक्स है ना, ये इनमें उनको जोड़ देंगे तो कोई लिखने का मतलब नहीं है उनको, तो ये आ जाएगा अपना इस तरह से क्वेश्चन बन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसको और सॉल्व करें तो
तो माइनस वन अपॉन थ्री एक्स पावर फोर अपॉन ट्वेल्व, ये आ गया अपना प्लस टू अपॉन नाइन एक्स क्यूब, प्लस ये आ गया अपना सिक्स सिक्स अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर, या फिर हमने यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ पे नौ ये सिक्स फोर्टीन आता, ये फोर्टीन आता, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक गलती की थी, इन दोनों को जोड़ने में ट्वेल्व अपॉन नाइन है, फोर ट्वेल्व अपॉन नाइन आएगा, फोर्टीन अपॉन नाइन, जो कि आ जाएगा अपने पास फोर्टीन, यहाँ पे आ जाएगा सेवन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर टू दे देते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे दूसरा पार्ट इसका, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। वन अपॉन डी स्क्वायर, वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस टू डी प्लस थ्री, और ई की पावर क्या है, थ्री ई की पावर टू एक्स, थ्री ई की पावर टू एक्स, ये है। अब हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने पर देखो, हम ई की ये बराबर डी बराबर टू रखने पर कहीं भी जीरो नहीं हो रहा, तो सिंपली हम ए बराबर टू रख देते हैं। ए बराबर टू रख दिया तो आ गया अपना वन अपॉन फोर, फोर माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, और टू प्लस थ्री इक्वल टू हो गया फाइव, थ्री ई की पावर टू एक्स है, तो ये आ गया ट्वेंटी, थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स, ये हो गया थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स। इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं इसको। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर, और क्या होगा डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री, डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री साइन एक्स, ये है अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाई करने फोर साइन एक्स है, सॉरी फोर साइन एक्स है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन एक्स डी स्क्वायर बराबर माइनस वन रखने पर जीरो नहीं हो रहा, तो इसको रख देते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो माइनस वन डी स्क्वायर बराबर माइनस वन यहाँ पे रखा, तो यह आ गया माइनस वन प्लस टू डी माइनस थ्री, ये हो गया अपने पास फोर साइन एक्स, जिसको हम और लिख सकते हैं आगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा आगे, और ये आ जाएगा अपने पास टू कॉमन लेके डी माइनस टू, टू कॉमन लेके डी माइनस टू, हाँ फोर साइन एक्स आ गया, तो इससे ये अगर कट गया टू आ गया। अब हम डी माइनस टू या नीचे तो डी प्लस टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी प्लस टू ये हो गया डी स्क्वायर माइनस फोर टू साइन एक्स। अब साइन डी बराबर माइनस डी स्क्वायर बराबर जीरो नहीं आ रहा, तो हम माइनस डी स्क्वायर की जगह सिंपली माइनस वन रख देंगे, डी प्लस टू, और साइन ये जीरो नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस फाइव, और माइनस का ये पहले ये माइनस टू साइन एक्स, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा टू अपॉन फाइव डी प्लस टू साइन एक्स। अब इसका सिंपली हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आ जाएगा टू अपॉन फाइव कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर, इसमें ये था और ये था, तीनों टर्म की वैल्यू, पहली टर्म की वैल्यू जो ये है वन अपॉन टी स्क्वायर डी माइनस वन टी प्लस थ्री पावर एक्स क्यूब, इसकी जो वैल्यू आई थी वो ये है अपने पास माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस टू अपॉन नाइन एक्स क्यूब प्लस सेवन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर, और जो ये टर्म थी वन अपॉन डी स्क्वायर डी माइनस वन डी प्लस थ्री की थ्री डॉट ई की पावर टू एक्स, ये टर्म थी, ये आ गया अपने पास सिंपली सॉल्व करने पर थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स, और इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये जो टर्म थी इसको सॉल्व किया तो अपने पास आ गया टू अपॉन फाइव कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। अब हम इनको एक साथ रखने पर फ्रॉम इक्वेशन टू थ्री एंड फोर बाय टू थ्री एंड फोर, इक्वेशन टू एंड टू थ्री एंड फोर से अपने पास क्या आ गया, पी आई बराबर आ गया
तीनों को लग देते हैं, माइनस वन बाई थ्री एक्स पावर फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस टू बाई नाइन एक्स क्यूब प्लस सेवन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स प्लस टू अपॉन फाइव कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये पी आई आ गया। अब हम इसे जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई दोनों जो अपने निकाले थे, सी एफ ये था अपने पास, सी एफ ये रहा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई पावर माइनस थ्री एक्स, और पी आई अपने पास ये माइनस वन बाई थ्री एक्स पर फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस टू अपॉन नाइन एक्स क्यू प्लस सेवन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्वेश्चन बंद थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स प्लस टू अपॉन फाइव, ये क्वेश्चन में था कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये था। अब सी एफ और पी एफ दो पी आई दोनों को हम लिख देते हैं एक साथ, तो अपना जो जनरल सॉल्यूशन आ जाता है वो आ जाता है जनरल सॉल्यूशन वाई बराबर आ जाता है अपने पास सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स प्लस सी फोर ई की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी ई की पावर टू एक्स प्लस टू अपॉन फाइव टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस टू अपॉन नाइन एक्स क्यूब प्लस सेवन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर। इस तरह हमें इस तरह के इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा ए की पावर ए एक्स डॉट बी के फॉर्म में हो, या जो भी और भी टर्म होंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम फिर बता देते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन इस तरह का आता है क्वेश्चन, वो भी छः सात नंबर का आता है पूरा, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान आर यू ब्रज कोटा और जो भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में आता है। जैसे कि मोस्टली एम एल सुकोदिया यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, एम और एम डी एस यूनिवर्सिटी अजमेर है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, सभी इनमें आता है। जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।